हेलो बच्चों, तो मेरा नाम निशांत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी जेई मेन 2021 की ऑनलाइन डीटीएस टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मेजर 5 का डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट कोड था इसका 2785, इसमें हम फिजिक्स का पेपर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेजर है कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपना ये पेपर साथ में ओपन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन आपको साथ साथ पेपर में देखते हुए चलना है। ठीक है, और सॉल्यूशन मैं यहाँ कराता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग होल्डिंग बाय द बॉय फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इफ बॉय स्टार्ट टू मूव विद स्पीड 51 किलोमीटर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग। समझ ना जरा क्या है कि भाई यहाँ एक ये बॉय खड़ा हुआ है, हाथ में इसने झंडा ले रखा है। अब मान लो इसको हवा इधर जाती हुई दिखी तो फ्लैग जो है वो इधर लहराएगा। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, हवा जो है, विंड जो है वो इधर फ्लो कर रही है तो इसको झंडा इधर लहराते हुए दिखेगा। बेसिकली ये है हमारे पास विंड की स्पीड जो कि बॉय को दिखी, मतलब विंड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बॉय। तो जिधर विंड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बॉय होगी उधर ही इसको क्या दिखाई देगा, फ्लैग हमारे पास लहराता हुआ दिखाई देगा। अब बोला है कि केस वन में जब बॉय खुद रुका हुआ है, ठीक है, जब बॉय खुद रुका हुआ है तो इसको जो फ्लैग है, हाँ, तो स्पीड जो है एयर की वो इधर की तरफ है 72 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर? अब बॉय खुद भागने लग गया, किधर बॉय खुद ऊपर की तरफ भागने लग गया नॉर्थ डायरेक्शन में 51 किलोमीटर पर आवर से। तो एक बार हम निकाल लेते हैं यहां पर कि विंड की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बॉय क्या आएगी। तो क्या हो जाएगी, VW माइनस VB। तो विंड की स्पीड में माइनस VB, मतलब इसको उल्टा करके जोड़ना है नीचे की तरफ। तो ये 72, ये हमारे पास 51, इसका अगर हम रिजल्टेंट देखें तो ये ज्यादा ये कम है, इधर कहीं आएगा कुछ। क्लियर? यहां कहीं आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो जरा, तो इसने अप्रोक्स आंसर पूछा है, बोला है कि भाई बताओ फ्लैग जो है वो अप्रोक्सीमेटली किस डायरेक्शन में लहराएगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आने वाला है, मतलब मतलब हमारे पास विंड की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू बॉय वो आएगी हमारे पास लगभग ईस्ट डायरेक्शन में, तो फ्लैग भी लगभग ईस्ट डायरेक्शन में हमें उड़ता हुआ दिखाई देगा इस बॉय को। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट सेकेंड ऑप्शन, ईस्ट अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उधर ये फ्लैग लहराएगा, बट इसने अप्रोक्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0 देन, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन, कि बोला है कि किसी सिस्टम पर एफ नेट जो है वो 0 है। अब एफ नेट 0 होने का मतलब है कि उसके लिए एम इंटू एस यू एम 0 हो जाए, क्योंकि नेट फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट नॉन जीरो भी हो सकती है और वो 0 भी हो सकती है, मतलब फोर्स 0 है तो हो सकता है पार्टिकल जो है, सॉरी सिस्टम जो है वो हमारे पास रेस्ट पे हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो, कोई सा भी केस हो सकता है हमारे पास। तो ऑप्शन दे रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेंस इन रेस्ट, नहीं भाई कोई जरूरी नहीं है, वो किसी नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल विल रिमेन इन रेस्ट, नहीं कोई जरूरी नहीं है। कि भाई ध्यान से देखो तो नेट फोर्स 0 है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इन सबका जो नेट फोर्स वेक्टर सम जो आया ना वो 0 आया है, कोई एक जो है वो हमारे पास 0 हो कोई जरूरी नहीं है, फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है। क्लियर है क्या? फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, F1 F2 F3 जितने भी और फोर्स है वो 0 होना कोई जरूरी नहीं है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेट एक्सीलरेशन नेट फोर्स आता है हमारे पास M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 एंड सो ऑन इक्वल टू M टोटल SUM। इस तरह से हम सेंटर मास का एक्सीलरेशन निकालते हैं। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि A1, A2, A3 सब 0 हो। हाँ इनका रिजल्टेंट 0 होगा बट A1, A2, A3 0 होना कोई जरूरी नहीं है। तो बोल रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल विल रिमेन इन रेस्ट, कोई जरूरी नहीं है भाई, A1, A2, A3 की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, तो सिस्टम के जो पार्टिकल्स है वो एक्सीलेट हो सकते हैं, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है।
क्लियर है क्या? थर्ड बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कि सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो देखो कॉन्स्टेंट तो होगी वेलोसिटी, बट मूव करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो कॉन्स्टेंट जीरो हो या हो सकता है वो कॉन्स्टेंट नॉन जीरो हो। तो ये बोल रहा है कि कॉन्स्टेंट होगा और मूव करेगा, कोई गारंटी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मे मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो ये हो सकता है भाई कि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो वो कॉन्स्टेंट नॉन जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड में फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ लें सभी लोग। हाँ भाई देखना जरा क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन। बोला है कि एक प्लैंक, कैपिटल एम मास का प्लैंक, जिस पे यहां कहीं एक मेढक स्मॉल एम मास का। प्लैंक की लेंथ बोली है एल और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। क्लियर? ठीक है भाई। अब बोला है कि अचानक से जो मेंढक जो है वो यू स्पीड यू वेलोसिटी से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री एंगल पर जंप करता है, और जब जंप करके वो नीचे आता है ना तो इस प्लैंक के इस पॉइंट पर हिट करता है, प्लैंक के दूसरे एंड पे हिट करता है। ठीक है भाई। तो पूछा है देन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द प्लैंक, तो एल की वैल्यू पूछी है। समझना जरा ध्यान से कि जैसे ये जो मेंढक है यहां से जंप करेगा तो जंप करने के लिए प्लैंक पे लगाएगा फोर्स इधर की तरफ, और इस पे लग जाएगा एक तरह से ऊपर की तरफ। तो ये इधर जंप करेगा, प्लैंक नीचे आएगा। इस फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा इधर और एक वर्टिकल होगा। क्लियर है क्या? ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं देखूं तो जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है इस प्लैंक पर पीछे की आगे की तरफ लगेगा उतना ही इस मेंढक पर किधर लगेगा, आगे की पीछे की तरफ। क्लियर है क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे बेसिकली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखो इंटरनल फोर्स होगा ये पूरे सिस्टम के लिए, कि मेंढक ने प्लैंक पर लगाया पीछे, मेंढक पर लगा आगे, सिस्टम पर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में अब भी जीरो है। अब सिस्टम पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में जीरो है तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और हॉरिजॉन्टल में अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो जितना इनिशियली मोमेंटम है सिस्टम का उतना ही फाइनल होगा। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब VCUM जीरो है, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, कहीं मूव नहीं करने वाला। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। इतनी कहानी तो समझ में आ गई। अब आगे समझना कि ठीक है भाई, मान लिया कि ये जंप किया, अब इस पर फोर्स आगे लगाए तो ये तो आगे जाएगा और मेंढक आएगा पीछे। क्लियर? ठीक है भाई। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो प्लैंक है वो आगे चला गया एक्स। क्लियर? अब अगर प्लैंक के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मेंढक इस एंड से इस एंड तक आ गया, तो कितना चला गया वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में? एल चल गया। प्लैंक पे बैठ के मेरे को लगेगा कि मेंढक जो है वो एल पीछे की तरफ आया है और प्लैंक खुद एक्स आगे चला गया। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेंढक का डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा समझना, कि प्लैंक के रेस्पेक्ट में मेंढक एल आया था पीछे, अब प्लैंक के चलने की वजह से एक्स आगे और चला गया, तो मेंढक का नेट डिस्प्लेसमेंट पीछे दिखेगा एल माइनस एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजिशन कैसे लिखा जाती है? आर सी यू एम बराबर लिखा जाता है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। क्लियर है क्या? या इसी को इधर लिख दें अपन एम वन प्लस एम टू। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा? एम वन प्लस एम टू डेल्टा आर सी यू एम बराबर एम वन डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू। अब सेंटर ऑफ मास कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है भाई, एम मेंढक का मास स्मॉल एम, उसका डिस्प्लेसमेंट पीछे है, तो इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ एल माइनस एक्स। प्लैंक का मास कैपिटल एम, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे है, इसको प्लस में ले लेते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गया एम एल। ये देखो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एल माइनस एम एक्स बराबर कैपिटल एम एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये तो आया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, जितना प्लैंक आगे शिफ्ट हुआ है। क्लियर है क्या? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेंढक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एल माइनस एक्स। मतलब यहां से मेंढक जब इधर यू से 45 पर जंप किया है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो एल माइनस एक्स है। तो इस एल माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
एल माइनस एक्स की वैल्यू आ गई एल माइनस एम एल अपॉन एम प्लस एम, तो ये वैल्यू आ गई कैपिटल एम एल अपॉन एम प्लस एम। अब तुम ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ना इस मेंढक के लिए हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्लियर। और इसने एल की वैल्यू पूछी है तो रेंज का रिलेशन हम काम में ले लेते हैं। तो देखो रेंज कितनी हो गई एम एल अपॉन एम प्लस एन, ये तो रेंज हो गई। और रेंज की वैल्यू प्रोजेक्टाइल में हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो ये तो साइन 91 हो गया खत्म। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन जी एम प्लस एम अपॉन कैपिटल एम, या रीअरेंज करके लिख सकते हो यू स्क्वायर अपॉन जी वन प्लस एम बाई कैपिटल एम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ लें सभी लोग। बेसिकली यहाँ दो कॉन्सेप्ट को हमने काम में लिया है, एक तो सेंटर ऑफ मास जिससे हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेंढक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर फोर देखें, बोला है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7। चांद पर हमें एक्सीलरेशन दे दिया। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून पर चांद की सतह पर पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा है, और बोला है कि पृथ्वी पर टाइम पीरियड 3.5 है और पृथ्वी का एक्सीलरेशन 9.8। समझना जरा, तुम्हें पता है किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, क्लियर। तो जब हम अर्थ की अगर तो आप टाइम पीरियड की बात करें तो देखो टी प्रोपोर्शनल आ गया हमारे पास 1/√g, क्लियर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं टी मून अपॉन टी अर्थ बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी मून जी अर्थ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब तुम्हें मून पर तो पूछा है, अर्थ पर दे रखा है 3.5 सेकेंड, अर्थ पे एक्सेलेरेशन दे रखा है 9.8, मून पर दे रखा है 1.7, सॉल्व कर लो तो मून पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी 8.4 सेकेंड, मून पर उस पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 8.4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या बोला है कि फिगर ए में हमने क्या किया है समझना। ये फिगर ए है, ठीक है, इस पे ये एक पतली सी एल लेंथ की रॉड जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर, और ये लिक्विड की फिल्म है एक। अब फिल्म होने का मतलब क्या है कि भाई एक तरह से ये पेपर, इधर से देखोगे तो भी एक सरफेस दिखाई देगी, इधर से देखोगे तो भी एक सरफेस दिखाई देगी, दो फ्री सरफेस है इसके पास, क्लियर है क्या। अब हमने क्या किया, यहां से एक बेट को लटकाया जो कि बेट है डब्लू, और बेट को सरफेस टेंशन के फोर्स से बैलेंस किया। तो हो क्या रहा होगा कि भाई सरफेस टेंशन की वजह से अगर तुम देखो तो ये सामने वाली जो पृष्ठ है ना ये इस पे इस वाली बाउंड्री पे फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन का, जिसकी वैल्यू होगी टी इंटू लेंथ ऑफ बाउंड्री टी एल। इतना ही फोर्स अंदर वाली सरफेस की वजह से भी लगेगा तो नेट फोर्स लगेगा ऊपर 2TL, और ये 2TL जो है ये वेट को बैलेंस कर रहा होगा। अब बोला है कि इसकी बजाय बी और सी सरफेस काम में ले लें हम, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है फिगर देखें, तो वहां पर MB और MC मास के WB और WC वेट को बैलेंस किया गया है। तुम अगर ध्यान से देखो तो दोनों में ही लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और लिक्विड को हमने चेंज नहीं किया है, तो लिक्विड चेंज नहीं किया तो टी चेंज नहीं हुआ, लेंथ चेंज नहीं किया तो हमारे पास ये जो फोर्स लगने वाला है ना उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। मतलब बचे कुचे बी और सी डायग्राम में सरफेस टेंशन का ऊपर फोर्स आएगा 2TL, तो वेट भी नीचे कितना बैलेंस होगा, W बैलेंस होगा, तो जितना पहले था उतना ही अब बैलेंस हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है कि एक हैवी बॉल, ठीक है, एक हैवी बॉल है, इसको हमने V0 रफ्तार देके छोड़ दिया, तो होगा क्या, इसको हमने V0 रफ्तार दे दी, तो V0 रफ्तार दिया, अभी इसके पास कोई भी रोटेशनल स्पीड नहीं है, तो इसका हर पॉइंट V0 रफ्तार से आगे की तरफ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा। जब हर पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आगे की तरफ V0 होगी, तो स्लिपिंग होगी, तो स्लिपिंग को रोकने के लिए इस पॉइंट पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा, क्लियर है क्या। अब तुम ध्यान से देखो तो ये फ्रिक्शन इस सिस्टम को देगा रिटार्डेशन पीछे की तरफ, क्लियर, और साथ में एंगुलर एक्सीलरेशन देगा अल्फा आगे की तरफ, जिसकी वजह से ओमेगा आता जाएगा और बी घटता जाएगा, क्लियर है क्या। तो फाइनली कंडीशन क्या बन जाएगी,
कि घटते घटते वेलोसिटी वी नॉट से वी हो जाएगी और इसको अल्फा से ओमेगा मिल जाएगा। और अगर ये प्योर रोलिंग करने लग गया है तो यहाँ पर वी पीछे रोटेशन से मिलेगा ओमेगा आर और वी बराबर हो जाएगा ओमेगा आर। क्लियर? तो इसने पूछा है इस वी की रफ्तार कितनी होगी। अब इसको दो तरह से कर सकते हो आप, या तो क्या करो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाओ या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन काम में ले लो। तो मैं जरा एक छोटा मेथड काम में ले रहा हूँ, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। समझना जरा कैसे, कि भाई टॉर्क जो लगा रहा है ना वो केवल ये पॉइंट लगा रहा है, राइट? तो टॉर्क जो लग रहा है वो केवल इस पॉइंट पे लग रहा है एफ फोर्स का। तो अगर इसी पॉइंट के अबाउट में अगर मैं इस पे टॉर्क देखने लग जाऊं, तो ध्यान से देखो इस ये जो फ्रिक्शन जो है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, कि भाई इस पे टॉर्क लाया कौन, फ्रिक्शन टॉर्क लाया है। तो मैं इस बॉटम पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन इसी से पास हो गया, तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो, और कोई फोर्स इस पर टॉर्क लगा नहीं रहा। मतलब मैं कह सकता हूं पी पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर है क्या? तो एंगुलर मोमेंटम करा जो इस पी पॉइंट के अबाउट। तो देखो इनिशियली केवल वी नॉट है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पी के अबाउट लिखा जाएगा एम वी नॉट आर, ये आर है तो, राइट? अब ये कंडीशन बन गई, तो इस टाइम पे पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है आर क्रॉस पी सी यू एम प्लस एल सी यू एम, या बोल दो आई सी यू एम ओमेगा, कि सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट के अबाउट प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी बॉडी का। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका हो जाएगा आई ओमेगा। तो सॉल्व किया तो ये बन जाएगा एम वी नॉट आर बराबर एम वी आर प्लस आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर। तो यहाँ से रिलेशन आ गया हमारे पास वी बराबर 5/7 वी नॉट, ठीक है? तो जब ये हमारे पास रोलिंग करने लग जाएगा तो उस टाइम इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 5V0/7 हो जाएगी, ठीक है? अब देखो एक तो ये क्वेश्चन हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से देख लिया, इसी को आप काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखें जरा कि इनिशियली इस गोले की जो रफ्तार है वो है वी नॉट, और वी नॉट देखे हमने इसको सरफेस पे छोड़ दिया, तो वी नॉट इसकी रफ्तार है, केवल ट्रांसलेटरी मोशन इसका हो रहा है, तो हर पॉइंट की रफ्तार वी नॉट होगी। तो इस पॉइंट की रफ्तार भी आगे वी नॉट, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आप पीछे की तरफ, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ म्यू एम जी। अब देखो केवल इस पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये इस गेंद को देगा रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना मिल जाएगा इसको पीछे की तरफ, ये आ जाएगा ए बराबर बल अपॉन द्रव्यमान तो म्यू जी, ये तो रिटार्डेशन मिल गया। साथ में अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर तुम देखो तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा जो कि इसको एंगुलर एक्सलेशन देता जाएगा अल्फा। तो टॉर्क की वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा। क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है म्यू एम जी, तो म्यू एम जी आर बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 5μg/2r, ये आ गया एंगुलर एक्सलेशन। क्लियर? अब टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे वैसे इस v की रफ्तार तो रिटार्डेशन से घटती जाएगी और एंगुलर एक्सलेशन की वजह से ओमेगा बढ़ता जाएगा। तो किसी t टाइम पर पहुंचकर मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी हो गई घट के v और ओमेगा हो गया बढ़ के ओमेगा। क्लियर? और अगर ये इस इंस्टेंट पे प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है तो आगे की तरफ इस पॉइंट की वेलोसिटी v, पीछे की तरफ ओमेगा आर और v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा आर। हमें यही भी पूछा है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, काइनेमेटिक्स लगाते हैं। तो t टाइम पे स्पीड v क्या लिखेंगे, v लिखा जाएगा v नॉट माइनस at तो म्यू जी टी। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 5/2 म्यू जी बाई आर इंटू टाइम, ये ओमेगा आ गया। क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से म्यू जी टी की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा इसी को मैं वी में कन्वर्ट कर देता हूं, ओमेगा की वैल्यू वी वाई आर है तो वी वाई आर, आर से आर गया, तो यहां से म्यू जी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2V/5। ये म्यू जी टी की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा वी बराबर वी नॉट माइनस 2/5 वी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको इधर लेके आ जाओ प्लस में हो जाएगा ये, तो 7/5 वी इक्वल टू वी नॉट,
तो v की वैल्यू आ गई यहां से 5/7b0। किसी भी तरह से आप कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे। क्लियर, समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखना जरा, फ्री एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब फ्री एक्सपेंशन मुक्त प्रसार क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हमने। क्या होता है जरा देखना, जैसे मान लो ये एक पात्र, ठीक है, जिसकी जो दीवारें हैं वो है रुधोष्म। पात्र की दीवारें क्या हैं? रुधोष्म दीवारें हैं। रुधोष्म दीवारें हैं मतलब ऊष्मा का लेन देन नहीं हो सकता, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। इसको हमने बीच में यहां एक वॉल्व की सहायता से बंद कर रखा है। यहां मान लो कोई गैस भरी हुई है किसी प्रेशर पी, वॉल्यूम बी, टेम्परेचर टी पे, और यहां निर्वात है। क्या है? निर्वात। अब देखो रुधोष्म दीवारें लिए हैं, और मान लो मैं ये वॉल्व अगर खोल दूं तो क्या होगा देखना। अगर इस वॉल्व को खोल दिया जाए तो रुधोष्म दीवारें हैं तो डेल्टा क्यू तो वैसे ही जीरो है। क्लियर। अब बात करूं वर्क की, तो देखो पात्र की दीवारें दृढ़, तो गैस की वजह से पात्र तो फैलने से रहा, तो और कोई पिस्टन विस्टन यहां है नहीं, तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाई गैस भी जीरो। जब डेल्टा क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो है, ये जीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के प्रसार को यहां अगर अपन देखें तो गैस जो है यहां से यहां पूरे में भर जाएगी, गैस का प्रसार तो हुआ है, बट इस प्रसार में ना तो ऊष्मा दी है, ना कार्य हुआ है, और ना ही गैस का ताप बदलेगा। क्लियर है क्या? ताप नहीं बदलेगा तो पीवी बराबर एनआरटी से हम कह सकते हैं एनआरटी कॉन्स्टेंट है, पी इनिशियल बी इनिशियल बराबर पी फाइनल बी फाइनल। लेकिन ध्यान देना, इस प्रोसेस को हमें ना मुक्त प्रसार कहते हैं, रुधोष्म प्रसारों में कंसिडर किया जाता है इसको, समतापीय प्रसार नहीं। क्लियर है क्या? रुधोष्म प्रसारों में कंसिडर किया जाता है इसको। यह रुधोष्म प्रसार की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेल्टा क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू तीनों ही जीरो हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये तो समतापीय प्रक्रम हो गया, नहीं, मुक्त प्रसार को एक रुधोष्म प्रसार की तरह माना जाता है। अब इसमें बोला क्या है? बोला है कि टू सिलेंडर्स ए ऑफ बी इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन ईच अदर वाय स्टॉप कॉक, ए कंटेन्स अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई, ए में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। क्लियर। प्रेशर कितना होता है? 180 m। इस पे ये भरी हुई है। दूसरे वाला कंप्लीटली इवेक्यूएटेड, मतलब इसमें निर्वात हो रखा है। अब इसको अगर ओपन कर दूं तो बताओ फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? रिलेशन निकाल सकते हो यार तुम, अगर ध्यान से देखो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं दोनों के दोनों। तो पहले केवल वी वॉल्यूम में गैस भरी हुई थी, अब वी प्लस वी टू वी में भर जाएगी, तो वॉल्यूम अगर हमने डबल कर दिया तो प्रेशर आधा रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2 atm। करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जरा, 8 में क्या बोला है? अ स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 × 10⁸ J वर्क। समझना पहले तो कि भाई ये कोई सोर्स है जो हाई टेम्परेचर T1 पर है, ये हमारा इंजन हो गया। ये सोर्स से तो एनर्जी लेगा Q1, और W वर्क करने के बाद कोई लॉस Q2 हो जाएगा हमारे पास सिंक पर। ठीक है, अब क्या बोला है इसने? ठीक है, तो एफिशिएंसी पूछी है। ओके, तो एफिशिएंसी जो होती है हीट इंजन की, वो होती है वर्क अपॉन सप्लाइड हीट, या बोल दो Q1 - Q2 / Q1, या बोल दो 1 - Q2 / Q1, या बोल दो 1 - T2 / T1, अगर एक कारनोट हुआ तो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमसे पूछा क्या है? बोला है कि स्टीम इंजन डिलीवर्स 5.4 × 10⁶ J वर्क दे दिया हमें। वर्क की वैल्यू है 5.4 × 10⁸ J और पर मिनट, ये पर मिनट इतना वर्क मिला है। ठीक है, और बोला इट सर्व्स एंड सर्विसेज 3.6 × 10⁹ J ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। ठीक है, तो इतना तो ये वर्क कर रहा है पर मिनट, और ये बॉयलर से जो हीट ले रहा है Q1, उसकी वैल्यू दे रखी है 3.6 × 10⁹ J पर मिनट, या इसी को हम बोल सकते हैं 36 × 10⁸ J पर मिनट। इतनी वो सप्लाई ले रहा है।
तो सिंक में कितनी लॉस कर रहा होगा, Q2 ये हो जाएगी। देखो Q1 तो सप्लाई आई, W वर्क में खर्च हो गई, Q2 बची, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस W। तो ये वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। तो देखो 36 में से ये 5.4 घटाओ तो ये बच जाएगा हमारे पास ये 0.6, 30.6 इंटू 10^8 जूल पर मिनट, या इसी को आप बोल सकते हो 3.1 इंटू 10^9 जूल पर मिनट। ठीक है, तो इसने बोला है कि बताओ एफिशिएंसी कितनी है और कितनी हीट वेस्ट हो रही है पर मिनट। तो पर मिनट वेस्ट होने वाली हीट तो ये आ गई 3.1 इंटू 10^9। तो केवल थर्ड ऑप्शन में, तो आंसर तो थर्ड हो गया, बट एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं एक बार इसकी। देखना जरा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन Q1। ठीक है, एफिशिएंसी होती है हमारे पास वर्क अपॉन सप्लाइड हीट। वर्क कितना दे रखा है हमें, वर्क दे रखा है 5.4 इंटू 10^8 जूल पर मिनट। सप्लाइड हीट दे रखी है 36 इंटू 10^8 जूल पर मिनट। तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 15%। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई। बोला है पॉइंट चार्ज क्यू स्टार्ट्स विद वेलोसिटी यू इन एक्स डायरेक्शन। क्वेश्चन पढ़ ले ध्यान से कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू और ये स्टार्ट हुआ है यू वेलोसिटी से इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है यू एक्स बराबर यू। इफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है ई, उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा ऊपर QE और एक्सीलरेशन आ जाएगा QE बाई M। तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से ऊपर, तो एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टाइप का केस आ गया है। तो बोला है देन व्हाट विल बी द वाई कंपोनेंट ऑफ द इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, कि एक्स डायरेक्शन में जब ये एल चल जाएगा तो वाई में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ना वीवाई, वो बताना है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, VY की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, VY की वैल्यू हो जाएगी UY प्लस AT। तो VY बराबर UY की वैल्यू 0, A की वैल्यू QE बाई M इंटू T, बट टाइम नहीं पता, टाइम X से निकाल लो। X में डिस्प्लेसमेंट कितना है L, तो L बराबर X में एक्सीलरेशन है नहीं तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम आ गया यहाँ से L अपॉन U, तो VY की वैल्यू आ गई QE L बाई M U। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें सभी लोग। पढ़ लिया, देखें भाई जरा सॉल्यूशन 10 का। बोला है एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। क्लियर, तो ध्यान से देखो, तो इस सेंटर पर जितना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा यहां वाले छोटे से एलिमेंट की वजह से, उतना ही यहां वाले की वजह से आ जाएगा इधर अपोजिंग, तो ये कैंसिल। इसी तरह से किसी भी जगह पर अपोजिट में डायमीटर के अबाउट आप एलिमेंट लोगे तो सबके कैंसिल होते जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, लेकिन पोटेंशियल की बात करूं तो देखना यहां वाले छोटे से एलिमेंट DQ के कारण इस R रेडियस पर यहां सेंटर पे पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, वो आएगा KdQ/R। अगले की वजह से भी KdQ/R, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R। तो तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है बट पोटेंशियल नॉन जीरो है, तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना, एकदम पागल बना रहा है क्वेश्चन, कि ये टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इंटरनल रेडियस ए आउटर रेडियस बी और ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये कंडक्टर हो ना तो कंडक्टर पे हमेशा चार्ज जो है वो उसकी आउटर सर्फेस पे कलेक्ट हो जाता है। तो जैसे हमने एक वायर से इसको कनेक्ट किया तो ये अंदर वाला और बाहर वाला गोला एक ही कंडक्टर हो गया। तो अगर मैं इसको अंदर भी चार्ज दूंगा ना तो भी ये इस वायर से होते होते केवल बाहर वाली सरफेस पे कलेक्ट होगा। अब जब चार्ज इस पे केवल बाहर वाली सरफेस पे रहने वाला है तो इसको दो गोलों के कॉम्बिनेशन की बजाय एक
बी रेडियस का गोलाई मान सकते हैं हम, और इस बी रेडियस के गोले के लिए हमें धारिता निकालना आता ही है, कितनी हो जाएगी 4πε0b। तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, एक सर्किट दे रखा है, ए और डी का पोटेंशियल पूछा है, सिंपल केवीएल पे बेस्ड क्वेश्चन, कि ये एक 1.5 ओम रजिस्टर, ये पॉइंट बी, एक और रजिस्टर 2.5 ओम का, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, इस डी पॉइंट, ये हमारे पास डी पॉइंट, और इसमें करंट आ रहा है 1 एम्पियर, ये पॉइंट है ए। तो बोला ए और डी का पोटेंशियल बताना, कोई दिक्कत नहीं है यार, केवीएल लगाओ। देखो ए से अपन चलते हैं, ठीक है, हाँ बी का पोटेंशियल दे रखा है 0 क्वेश्चन में, ये अर्थिंग कर रखा है। अब देखो हमें ए का पोटेंशियल लगाना, तो यहां से यहां तक केवीएल लगा दो, तो वी ए माइनस आई आर बराबर 0, तो वी ए की वैल्यू तो आ गई 1.5 वोल्ट, खत्म। बी डी निकालते हैं, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, 0 माइनस आई इंटू आर, अब यहां पहुंच गए, यहां 2 वोल्ट बढ़ गया तो प्लस का 2 बराबर वी डी, तो वी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2.5 प्लस 2, तो वी डी की वैल्यू आ गई माइनस का 0.5 वोल्ट। तो वी ए तो 1.5 वोल्ट और बी डी माइनस 0.5 वोल्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था भैया। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, देखने जरा, हमें कुछ अरेंजमेंट दे रखा है वायर्स का, कि ये एक तो है इन्फाइनाइट वायर, फिर यहां 3/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, और उसके बाद ये फिर से इन्फाइनाइट वायर, ये सर्कल का सेंटर, पूरे वायर में करंट आई आ रहा है, और इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है, बहुत सिंपल। देखो इस वायर के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर पहुंच गया, ये इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे यहां पहुंच गया, इस वायर के लिए ये अलोंग द लेंथ हो गया, तो इसकी वजह से तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आने से रहा, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस आर्क की वजह से और इस वायर की वजह से। अब देखो अगर ये हमारे पास एक इनफाइनाइट, एक फाइनाइट वायर है जो कि किसी पॉइंट पी पर ऊपर एंगल बना रहा है θ1, इधर बना रहा है θ2, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई अपॉन 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये आती है वैल्यू, क्लियर। अब यहां अगर तुम देखो तो ये वायर सेमी इन्फाइनाइट है, आगे की तरफ इन्फाइनाइट, यहां खत्म हो गया, तो सेमी इन्फाइनाइट है, तो ऊपर वाला अगर इन्फाइनाइट मैं मान लूं, सेमी इन्फाइनाइट, तो देखो क्या होगा, ऊपर की तरफ इन्फिनिटी हो गया और नीचे खत्म हो गया, तो नीचे वाला एंगल तो हो गया 0, तो साइन 0 खत्म, ऊपर वाला एंगल अगर देखो तो ये वायर अगर इन्फाइनाइट तक जाएगा तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 90, तो ये बन जाएगा साइन 90, साइन 90 हो गया तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। अब डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन हम बोल सकते हैं इधर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर की तरफ, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4πr अंदर की तरफ इस वायर की वजह से। अब आर्क की वजह से बात करते हैं, तो अगर कोई आर्क जिसका सेंटर पे एंगल थीटा नॉट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है सेंटर पर म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr। अब काम में ले लो फॉर्मूले, तो इसकी वजह से अगर अपन देखें तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहां भी अंदर अंदर ही आएगा, तो जुड़ जाएंगे, कितना आएगा म्यू नॉट आई थीटा। अब ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है 3π/2 अपॉन 4πr, तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, कॉमन ले लो तो 1 प्लस, ये बच जाएगा 3π/2 अंदर की तरफ, तो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ते ही हैं हम, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ते टाइम, उन्हीं को डायरेक्ट काम में ले लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 14 में बोला है एक कॉइल है जिसका एरिया है 500 cm², EMI का क्वेश्चन, कॉइल का एरिया दे दिया, टर्म्स दे दिए हमें 1000,
और बोला है कि इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसकी इंटेंसिटी भी हमें दे दी है। अब इसको 180 घुमा दिया 1.1 सेकंड में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कॉइल है और अंदर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कितना बी ए, एरिया वेक्टर मैं अंदर की तरफ ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया बी ए, जब इस लूप को 180 घुमा दिया जाएगा तो एरिया वेक्टर जस्ट अपोजिट में हो गया, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया माइनस बी ए, तो चेंज कितना आया बी ए से माइनस बी ए तक आने में 2 बी ए का चेंज आ गया, क्लियर। तो हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है हमारे पास द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स कितना है 2 बी ए अपॉन टाइम। ये तो आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एक लूप की वजह से। अब यार कितने टर्न्स हैं, तो टर्न्स है हमारे पास एन, तो एन से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो एन की वैल्यू दी है हमें 1000, टू बी की वैल्यू दी है हमें 4 × 10⁻⁵, एरिया की वैल्यू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 × 10⁻²² मीटर स्क्वायर, टाइम की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेकंड। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो गया 8 × 40 × ये हो जाएगा ऊपर 10⁴, तो −1 −3, तो आंसर आ गया 40 मिली वोल्ट, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, मैग्नेट्स ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। कि ये एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम, ट्वाइस दैट ऑफ बी, ए का है 2m और बी का है एम, क्लियर। अब क्या किया, इनको सिमेट्रिक्स एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इनका टाइम पीरियड देखा गया। तो देखो कि ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल, इधर मैग्नेटिक फील्ड है मान लो बी, इसको अगर यहां से हल्का सा एंगल थीटा पर घुमा दिया जाए तो लगने वाला टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, क्लियर, ठीक है भाई, ठीक। अब देखो टॉर्क को लिखा जा सकता है आई अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई एम बी अपॉन आई साइन थीटा, को लिख सकते हैं थीटा क्योंकि स्मॉल एंगल से घुमाया है। अब देखो ये टर्म्स जो है ना, ये टर्म्स है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से घूर्णन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई रूट एम बी अपॉन आई, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/ ओमेगा, या बोल लो 2π अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अब देखो देखने में जो दोनों के दोनों जो हमारे पास जो बोली गई है मैग्नेट वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, तो सब कुछ ज्योमेट्री में सेम है, तो आई तो सेम हो गया और बी सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो बी भी सेम हो गया, तो टाइम पीरियड सीधा सीधा सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया रूट एम के, क्लियर। अब पूछा क्या है इसने, एनी टाइम पीरियड्स का रेशो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम पीरियड्स का रेशो पूछा है, तो हम बोल देंगे T1 अपॉन T2 बराबर अंडर रूट M2/M1, क्लियर। तो बी का मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ए का है 2m, तो रेशो आ जाएगा 1/√2। अच्छा इसने दोनों का ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, इफ T1 एंड T2 विद द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन दे आर लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स आर केप्ट टुगेदर रेस्पेक्टिवली, क्लियर। उसने क्या पूछा है कि भाई जब इन दोनों को एक ही पोल के अलोंग रख दिया, कैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल एक ही तरफ करके रख दिया तब टाइम पीरियड आया T1, और जब अपोजिट में करके रखा तब टाइम पीरियड आया T2, तो वो रेशो बताना है। तो T1 क्या देखना कि T1 के टाइम पे तो दोनों को इस तरह से रखा सेम अलाइनमेंट में, सेम अलाइनमेंट में तो दोनों के नेट मैग्नेटिक मोमेंटम जुड़ जाएंगे तो 2m और m हो जाएंगे 3m, तो जोड़ने पर तो ये हो गया 3m, क्लियर। और जब अपोजिट में रखा तो एक का 2m दूसरे का m, तो अब रिजल्टेंट हो जाएगा m, तो रेशो आएगा 1/√3, क्लियर है क्या, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है, उसने इंडिविजुअल दोनों पार्ट्स का नहीं पूछा, उसने बोला दोनों को पहले तो सेम अलाइनमेंट में रख दो तब आया टाइम पीरियड T1, फिर अपोजिट में रखा दोनों को एक साथ तो रिजल्टेंट टाइम पीरियड आया T2, तो उसके लिए एम इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, टोटल एम निकालना पड़ेगा दोनों अलाइनमेंट में। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि देखो ये एक लूप दे रखी है और बोला ये पॉजिटिव चार्ज यू मूव कर रहा है बी से, अब किसी भी चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है
ये मान लो इधर मूव कर रहा है V से इस पॉइंट पर R वेक्टर पे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ये आता है हमारे पास Q V क्रॉस R बाई आर क्यू, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो देखना, शुरुआत में ये पोजिशन वैक्टर आर हो गया और इधर है वेलॉसिटी वैक्टर, फाइनली वेलॉसिटी इधर होगी, ये पोजिशन वैक्टर होगा आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो यहां हो जाएगी V क्रॉस R बाहर की तरफ, और जब ये दूर चला जाएगा तब भी आएगी बाहर की तरफ। तो दोनों केसेज में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर ही है, बट डिफरेंस क्या है कि भाई जब ये पास आएगा, क्योंकि यहाँ करंट कैरिंग वायर नहीं है ना ही कोई भी बीम है, यहाँ एक ही चार्ज है, उसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। तो देखो जब ये जैसे जैसे पास आएगा तो R घटेगा, R घटने से B बढ़ेगा, मतलब पहले तो B बढ़ेगा और उसके बाद जब ये दूर जाएगा तो B घटेगा। तो पहले अगर मैं देखूं तो पहले इसके अंदर देखो, जब ये पास आएगा तो बाहर की तरफ निकलने वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है, जब बाहर की तरफ निकलने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो इसको अपोज करने के लिए करंट क्लॉकवाइज फ्लो होना पड़ेगा। तो पहले तो करंट आएगा क्लॉकवाइज, अब जब ये दूर जाएगा तो बाहर की तरफ आने वाला फ्लक्स घटेगा, तो बाहर की तरफ आने वाले फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए करंट अब फ्लो करने लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन आएगी पहले तो क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहां हमें वेव फ्रंट्स दे रखे हैं कि इस तरह के वेव फ्रंट्स जो हैं एक मिरर पे आए हैं, तो बताओ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स क्या होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है, देखना क्या कि जितने भी वेव फ्रंट्स होते हैं ना ये लाइट प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब यहां अगर मैं इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर लाइन अगर बना दूं तो ये आ गई मेरे पास इंसिडेंट रे। क्लियर, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद इधर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और जो वेव फ्रंट्स होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है क्या? तो आप वेव फ्रंट्स को किसमें कन्वर्ट कर लो, रे में कन्वर्ट कर लो, और रे का रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन आप इजीली देख सकते हो। क्लियर है क्या? अब वेव फ्रंट बनाने तो क्या करेंगे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड उनके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना देंगे बस। क्लियर है क्या? तो फाइनली वेव फ्रंट्स ऐसे जाएंगे जो कि हमारे पास केवल थर्ड ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि ये पुली से दोनों तरफ 9 kg मास लटका दिया, ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है, स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा ना वो आ जाएगा 9g। ठीक, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ दे रखी है, इसका मास दे रखा है, तो बोला है इसमें इस स्ट्रिंग में पल्स की स्पीड क्या होगी। तो स्ट्रिंग में पल्स की स्पीड होती है √T/μ और म्यू की वैल्यू m/L, टेंशन दे रखा है 9g, m की वैल्यू हमें दे रखी है 12 ग्राम, तो 12 × 10⁻³ kg, L की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर, G की वैल्यू पुट करो तो V की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1.04 × 10⁻² m/s। क्वेश्चन नंबर 19, तो एक हाइड्रोजन लाइक एटम किसी के लिए भी अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं, तो बोर मॉडल बोलता है कि देखो ये n=1, ये n=2, ये n=3, ये n=4, ये n=5, मतलब जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है ना तो इनके बीच का गैप घटता जाता है, मतलब शुरुआत में ये एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, फिर कम और कम और कम, इवन इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, कैसे, ई की वैल्यू आएगी हमारे पास 13.6 z²(1/lower energy state²-1/highest energy state²)². इससे भी निकालोगे तो तुम बोल सकते हो कि एनर्जी डिफरेंस जो है ना शुरुआत में ये ज्यादा होता है, फिर कम, फिर कम, फिर और कम होता जाता है। अब इसने बोला है कि किस ट्रांजिशन में, 3-4 ट्रांजिशन दे रखे हैं, देखो इसने पहला दिया है 1 से 4, ये तो फर्स्ट है, दूसरा दिया है 4 से 3, ये सेकंड, उसके बाद 4 से 2, उसके बाद 2 से 1, ये थर्ड दिया है, ये दिया है फोर्थ। अब देखो बोला है किस में इमिशन ऑफ अ फोटोन विद मोस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किस फोटोन की होगी, किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। तो ध्यान से देखो, ये तो एब्जॉर्ब करने वाली कहानी है, तो इसका तो मुद्दा ही खत्म, इन सब में इमिट होगा, तो इन सब में तुम देख सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इसका है, तो थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 20 बाइंडिंग एनर्जी पे देखना जरा सवाल क्या बोल रहा है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास हमें दे रखे हैं ईएमयू में, और बोला दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक हीलियम बना रहे हैं जिसका भी मास दे रखा है। बाइंडिंग एनर्जी पूछी है कि भाई दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर के बना रहे हैं हीलियम, तो जो एनर्जी मुक्त होगी उसी को हम वाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है वाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना वो डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकाली जा सकती है। अगर डेल्टा एम की वैल्यू मैं एएमयू में ले लूं तो इसको 931.5 से मल्टीपल करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। ठीक, अब देखना जरा, तो जो रिएक्टेंट है उनका मास कितना है? एक हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन का मास आपको दे रखा है 1.0087, तो दो का हो जाएगा इंटू टू। एक न्यूट्रॉन का दे रखा है 1.0073, सॉरी ये न्यूट्रॉन का है, उल्टा लग दिया मैंने, न्यूट्रॉन का है 1.0087 इंटू टू, प्रोटॉन का है 1.0073 इंटू टू। ये तो आ गया रिएक्टेंट का मास, क्लियर। हीलियम का कितना दे रखा है 4.0015। ठीक है, अब देखो ये टोटल मास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 6.1402, 2.014 है, ये हो जाएगा हमारे पास 2.0174, और ये बना इनसे टोटल से ये बना, तो मास डिफेक्ट कितना आया, डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 6.4304.0320। ये तो हो गया रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कितना हो गया 4.0015, तो मास डिफेक्ट कितना आया, ये आ गया हमारे पास 5.0305 एएमयू, ये तो आ गया मास डिफेक्ट। अब एनर्जी निकालनी है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी का 0.0305 एएमयू में इंटू 931.5, तो ये एनर्जी आ जाएगी 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारे हो गए सिंगल चॉइस वाले आंसर्स। अब जरा हम इंटीजर वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो देखना जरा सेक्शन डी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कि बोला था द पीरियड ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज 27 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के कंपैरिजन में कि ये सन इसके अराउंड ये अर्थ हो गई यहां, और यहां को ये प्लेनेट हो गया, इसका टाइम पीरियड टीपी जो है वो अर्थ के टाइम पीरियड का 27 टाइम्स है। ठीक है, तो बोला था रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट्स ऑर्बिट टू रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, कि इस प्लेनेट की रेडियस और अर्थ की रेडियस का रेशियो पूछा है आरपी अपॉन आर ए। तो हमें केपलर्स लॉ से पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है, तो यहां से आर की वैल्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगी टी की पावर 2/3 के, मतलब आरपी अपॉन आर ई की वैल्यू हो जाएगी टीपी अपॉन टी की वैल्यू 2/3। अब रख दो वैल्यू, टीपी अपॉन टी की वैल्यू 27, मतलब 3 की पावर 3, 2/3, 3 से 3 गया, ये आ गया आंसर 9 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50, कि 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने में एक बॉडी को 5 मिनट लगे, और उसके अलावा 60 से 30 तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है इसने, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, साथ में कंडीशन दी है कि न्यूटन का नियम वैलिड है, तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ से बोल सकते हैं टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन टाइम, ये बराबर होगा के इंटू टी एवरेज माइनस टी नोट। न्यूटन्स कूलिंग से हम यहाँ पर टाइम रेट ऑफ कूलिंग की बात कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब पहले बोल रखा है 80 से 50, तो 80 से 50 से रिलेशन लगा दो, फिर तो उसके बाद 60 से 30 में लगा देंगे। तो 80 से 50 की बात करते हैं, तो 80 इनिशियल माइनस 50 अपॉन टाइम लगा 5 मिनट बराबर के टी इनिशियल प्लस टी फाइनल 8, 80 और 50 130, 65 माइनस 20। क्लियर?
अब यहाँ से यहाँ तक की बात करते तो 60 माइनस 30 30 बटे टाइम निकालना है के टी एवरेज देखो तो टी एवरेज जाएगा 60 और 30 90 45 माइनस 20 इक्वेशन वन इक्वेशन टू डिवाइड कर देते हैं 30 से 30 गया तो टी अपॉन 5 मिनट इक्वल टू बच गया 60 में से 20 गया 45 यहाँ बच गया हमारे पास 25 तो आ गया 9 बटे 5 5 से 5 गया टी की वैल्यू आ गई 9 मिनट तो 9 मिनट में 60 से 30 तक टेम्परेचर कूल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखें पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड। क्या बोला है एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है हमें जिसमें सीरीज रेजिस्टेंस 10 ओम, ये 6 वोल्ट का बैटरी, ये पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी जिसकी लेंथ दे रखी है 200 सेंटीमीटर और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। ठीक, तो पहले तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। तो देखो सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना है 10 और 20 30 ओम, तो करंट कितना जाएगा इसमें, करंट जाएगा इसमें आई बराबर बी वाई आर तो 1/5 एम्पियर। अब 1/5 एम्पियर करंट आया तो इस 20 ओम पर ड्रॉप कितना होगा वोल्टेज, 20 ओम पर ड्रॉप हो जाएगा बी बराबर आई इंटू आर 4 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ 200 सेंटीमीटर पे तो पर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बी वाई एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/200 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब बोला है इसके साथ हमने क्या किया, यहां एक 2.4 वोल्ट का एक सेल कनेक्ट कर दिया तो बताओ इसके बैलेंस होने के लिए ये एल कितना होगा। क्लियर, अब ये बैलेंस कब होगा, नल डिफ्लेक्शन कब देगा, ये नल डिफ्लेक्शन तब देगा जब 2.4 पोटेंशियल ड्रॉप इस एल लेंथ पे आ जाए। तो इस एल लेंथ पे 2.4 वोल्ट हमें ड्रॉप चाहिए। क्लियर है क्या, तो हमें ड्रॉप चाहिए 2.4 वोल्ट। अब देखो हर सेंटीमीटर पे इतना ड्रॉप है तो एल पे कितना हो जाएगा एल 1/50 वोल्ट। अगर इसकी वैल्यू 2.4 के बराबर हो गई तो संतुलित हो जाएगा तो यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है आंसर को हमें देना है n इंटू 10 सेंटीमीटर के टर्म में तो n की वैल्यू आ गई यहां से 12। क्लियर, तो 12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि ये हमें कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस दे रखा है जिसका म्यू है 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव वाली दे रखी है 40 सेंटीमीटर और कॉनवेक्स वाली दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं इसकी फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, इसकी फोकल लेंथ आएगी 1/FL बराबर म्यू 2/μ1-1 1/r1। अब साइन कर मैं मान लेता हूँ लाइट इधर से आई है तो r की वैल्यू r1 की वैल्यू हो जाएगी -40 -r2 की वैल्यू भी कितनी है -20 तो यहाँ से आ गया 1/FL बराबर 1/2 -1/40 +1/20 तो ये आ गया 1/2 ये हो जाएगा प्लस का 1/40 तो FL की वैल्यू आ गई 80 सेंटीमीटर। क्लियर, साथ में हमने क्या किया इस सरफेस को कर दिया सिल्वर्ड तो ये कॉनकेव मिरर बन गया और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है r/2 कॉनकेव है इसलिए तो माइनस ये है 20 तो ये हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब इसका जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी 1/FM -2/FL। अब देखो मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर माइनस का, लेंस की फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर तो ये आ गया 1/F इफेक्टिव बराबर ये आ जाएगा यहाँ से 80 एलसीएम लिया 80 इसको लिख लेता हूँ मैं -1/10 -1/40 तो ये आ गया 40 एलसीएम माइनस का कि हो जाएगा 4+1 5/40 तो -1/8 तो फोकल लेंथ आ गई इफेक्टिव हमारे पास -8 सेंटीमीटर। मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हटा के अगर मैं एक मिरर लगाऊं ना तो वो एक कॉनकेव मिरर बनेगा जिसकी फोकल लेंथ -8 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा।
कि भाई इस सब को हटा के हमने ये लगा दिया मिरर जिसकी फोकल लेंथ है -8 सेंटीमीटर। अब भूल जाओ कि ये कॉम्बिनेशन है। तो बोला है कि ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ रखें जिससे इट्स इमेज इज क्रिएटेड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जिससे इसकी इमेज इसी पर बन जाए। क्लियर है क्या? देखो तो अगर ऑब्जेक्ट की इमेज उसी पर बनानी है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, मतलब उसकी डिस्टेंस 2f हो जानी चाहिए। तो यहाँ ये डिस्टेंस जो है ना x, ये हो जाएगी 2f, मतलब 16 सेंटीमीटर। यही पूछा है इसने, 16 आंसर हो जाएगा भाई। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जरा पेपर का, एरर पे क्वेश्चन है। देखें कि पेंडुलम का टाइम पीरियड टी बराबर 2π√L/g होता है, ठीक है भाई, पता है हमको पहले से ही। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी, अब स्क्वायर कर देते हैं, टी स्क्वायर बराबर 4π²L/g। तो g की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन ये 4π²L/t², ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज g लिखूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास δ(L/L)×100 + 2δ(t/t×100, ये आ जाएगी जी में प्रतिशत त्रुटि। अब बोला क्या है कि बोला है हमने लेंथ एल जो मेजर की है तो एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, एल की वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर। और इसको जिस उपकरण से मापा है वो 1 mm की एक्यूरेसी देता है, मतलब वो एरर कितने दे देगा, 1 mm दे देगा। तो δ(L) की वैल्यू भी आ गई 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। बोल दिया 100 दोलनों का जो समय है वो 50 सेकंड आया। अब 100 दोलनों का समय 50 है तो एक दोलन का कितना हो जाएगा, 100 दोलनों का 50 सेकंड है तो एक दोलन का हो जाएगा 1/2 सेकंड। क्लियर, कैसे लिख दूं डायरेक्ट इसको, 100 दोलनों का 50 है तो एक का हो जाएगा 50/100। और बोल दिया समय मापने में 1 सेकंड लीस्ट काउंट की घड़ी काम मिली, तो 100 दोलनों के समय में 1 सेकंड की त्रुटि आएगी, एक दोलन के में कितनी आ जाएगी, एक दोलन के समय में त्रुटि आ जाएगी 1/100। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, एरर आ जाएगी। तो δ(L) की वैल्यू 0.1/L 10 × 100, 2 δt की वैल्यू 50/100, सॉरी δt की वैल्यू 1/100 और t की वैल्यू 50/100 × 100। तो 100 से 100 गया, ये 0 से 0 ये आ गया 1, प्लस 50 से जाएगा 2 × 4, तो आंसर आ गया 5%। तो यहाँ पर जी के मापन में 5% की त्रुटि होगी, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, उम्मीद है सबके पेपर अच्छे से गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे सभी लोग पढ़ते रहें, सभी को गुड लक, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ TC गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम CLC। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन DTS 4JEE मेन एडवांस सॉल्यूशन। मैं आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द मोस्ट रिएक्टिव स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो रिएक्टिविटी की बात करें तो उसमें ऑप्शन में है एटॉमिक, हैवी, नेसेंट एंड मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर में तो क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी। और एटॉमिक में क्या होगा, एटम क्या होगा, सेपरेट रहेगा। तो एटॉमिक जो है, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, रिएक्टिव होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक करेक्टर। अब आयोनिक करेक्टर क्या होते हैं, आयोनिक करेक्टर क्या करते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन मींस फाजा रूल की हम बात करेंगे। तो पोलराइजेशन क्या होता है, कैटायन स्मॉलर, तो मोर पोलराइजेशन यानी कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे किसका पूछ रहा है ऑर्डर, आयोनिक करेक्टर का, इट मीन्स कैटायन की साइज ज़्यादा होगी तो आयोनिक करेक्टर ज़्यादा होंगे। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम साइज कैटायन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, परसेंट आयोनिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। टॉप टू बॉटम परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इंक्रीज। अब देखो ऑप्शन बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, फर्स्ट देखो बेटा। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी,
साइज इंक्रीज हो रही है तो आयोनिक एक्टर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, बी ई सी एल टू है, उसके बाद एम जी सी एल टू है, उसके बाद क्या है सी ए सी एल टू है, बी ए सी एल टू, आपका ऑप्शन क्या आएगा वन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू रिलेटेड प्रॉपर्टी, कि कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। फर्स्ट एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई, अब देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, एफ सी एल बी आर आई की साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज ज़्यादा तो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका जो है इसमें करेक्ट ऑर्डर यानी राइट ऑर्डर, हमें क्या देखना बेटा इसमें इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है। सेकेंड है बेरिलियम कार्बन बोरोन लिथियम सेकेंड आई पी, तो सेकेंड आई पी हमें ऑर्डर निकालना है किस उसका, बेरिलियम का, कार्बन का, बोरोन का और लिथियम का। और सेकेंड आईपी का मीनिंग क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लिख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2, तो ये क्या बच गया बेटा 2s1, कार्बन का 2s2, बोरोन का 1s2 2s2, 2p1 होता है तो इसका 2s2 बच जाएगा, कार्बन का 2s2 2p1 बचेगा क्योंकि 2p2 होता है बेटा, कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p2 एक निकाल लेंगे तो 2p1 बच जाएगा। लिथियम क्या होता है 1s2 2s1, तो 1s2 बच जाएगा बेटा। अब मैक्सिमम तो लिथियम का हो गया होगा क्योंकि 1s2 किसका होता है, हीलियम का, और हीलियम का मैक्सिमम होता है। ठीक है, बाकी अपने पास क्या है, s1 है, p1 है, s2 है, s2 का p1 से ज़्यादा होता ही होता है बिकॉज s2 क्या है फुली फिल है और फुली फिल ज़्यादा स्टेबल है तो आई बढ़ जाता है। ऑर्डर क्या आता है s1, ठीक है, p1, फिर क्या आता है s2 p2, ठीक है, P1 आ गया, P2, P3, P4 को फिर हम आगे पीछे करेंगे, P3 का ज़्यादा होगा, P3 कॉन्फ्लिकेशन का ज़्यादा होगा बेटा किससे, P4 से, फाइनली P5 और P6। ठीक है, यानी S2 P1 को आगे पीछे कर दो और P3 P4 को चेंज कर दो, तो क्या होगा बेटा ऑर्डर यहाँ पे, अगर इसको फॉलो करें तो क्या होगा, पहले S1 आएगा तो बेरिलियम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, P1 है आपके पास, S2 है तो P1 पहले आएगा, बोरोन और फाइनली लिथियम, तो हीलियम बने गया, तो आपका ये करेक्ट ऑर्डर है। यानी सेकंड भी आपका क्या है, राइट ऑर्डर है बेटा। ठीक, इनकरेक्ट हमें देखना है। थर्ड टाइटेनियम जिरकोनियम होफनियम की साइज इक्वल होगी, दो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है बट बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है, तो थर्ड भी आपका राइट है। तो तीन राइट होंगे तो ऑब्वियसली फोर्थ रॉन्ग आएगा। फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा, बेटा मांगे कार्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, ऑलमोस्ट जेड इफेक्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, लेफ्ट राइट क्या होता है इंक्रीज, टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, डेट्स वाई दिस इज रॉन्ग। तो फोर्थ आपका रॉन्ग है, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, फोर हो गया बेटा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल आइसोमर, तो OI कौन सा करेगा, OI कंडीशन क्या है, POS नहीं होना चाहिए, COS नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशन है MA4, अगर हम बात करें MA4 इसको लिख देंगे हम AB मींस A सॉरी बाइडेंट लिगेंड को लिखते हैं कैपिटल A से। सेकेंड है आपका MA2 B2 और थर्ड, देखो थर्ड में CN कितनी हो रही है, 4 हो रही है और 4 के केस में OI शो होती ही नहीं है। टेट्राहेड्रल में एक केस में होती है MABCD जब चारों लिगेंड क्या हो डिफरेंट हो। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ का पॉसिबल है नहीं। अब बात करें MA4 तो ये OI शो नहीं करता है, केवल क्या करता है MA2B2 OI शो करेगा और किस टाइप शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ये मेटल हो गई बेटा। ठीक है, यहाँ बी कर देते हैं तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या होगी, इसके सुपर इम्पोज नहीं होगी, इसके जो सुपर इम्पोज नहीं, इस टाइप से क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी और ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, इट मीन्स ये OI शो करेगा। तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मीन्स आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ कहाँ से, डी से, डी एस पी टू डी एस पी थ्री डी टू एस पी थ्री, यानी जो डी ऑर्बिटल है वो कौन से काम आएंगे आपके, इनर वाले काम में आएंगे, और आउटर मीन्स आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, एस से होगा, उनको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
sp3d sp3d2, ये सारे क्या होते हैं बेटा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो देखो हम चेक करते हैं, फर्स्ट है जिंक, क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा जिंक NH3 6+2। तो यहाँ पे अमोनिया का ON तो 0 होगा, तो जिंक क्या आएगा बेटा? +2 आएगा, और जिंक +2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या होगा? 3D10 4S0। तो देखो इनर वाला जी तो फुली फिल है, इट मीन्स आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ऐसे स्टार्ट होगा, यानी आउटर वाले डी काम में आएंगे ना, ठीक है। और CN6 है तो कौन सा होगा? sp3d20, तो कौन सा है? आउटर। कौन सा बेटा? आउटर। तो फर्स्ट तो आएगा नहीं, सेकंड देखो बेटा, सेकंड है CR क्रोमियम NH3 6+3। अब यहाँ भी अमोनिया है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्रोमियम प्लस थ्री का कॉम्बिनेशन क्या होगा? D5S1 से 3 आपको बाहर निकालने हैं, तो 3D3 4S0 जाएगा क्या? और D3 में ऑलवेज क्या बनता है? इनर बनता है। क्या बनता है? इनर बनता है। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? इनर बनेगा, बट डाया मैग्नेटिक भी देखना है साथ में, तो 3 अनपेयर है इसमें। क्या होंगे इसमें? तो 3 अनपेयर भी होंगे, तो ये तो क्या होगा बेटा? पैरा होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा बेटा। क्लियर। थर्ड चेक करते हैं कोबाल्ट, अगर यहाँ पे कोबाल्ट होता तो कोबाल्ट +3 का जो कॉम्प्लिकेशन, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक D7H2 में से आप 3 निकाल दीजिए बेटा, तो D6 बचेगा बेटा। और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D6 में पेयरिंग कैसे होगी? स्टेप से होगी कि नहीं होगी? 1 2 3 4 5 6, यानी आपको कौन सा हो जाएगा? D2SP3 इनर भी है, प्लस यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो डाया भी होगा, तो करेक्ट आपका कौन सा होगा? थर्ड आ जाएगा बेटा। फोर्थ देख लेते हैं, निकल +2 में कौन सा बनेगा? वही निकोबाल, इसके जस्ट आगे तो आएगा कोबाल के बाद निकल, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, तो वो पैरा भी होगा, प्लस क्या बनेगा? आउटर। क्या बनेगा? आउटर, यानी निकल +3 की बात करें नेक्स्ट में, तो निकल +2 है बेटा, तो निकल +2 का जो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? D8 में H2 में से D7 बचेगा बेटा। क्या बचेगा? सॉरी 2 निकालना, D8 बचेगा, बट क्या होगा? आउटर होगा। क्या होगा? आउटर बनेगा इस टाइप से, 1 2 3, यानी आपके पास 3 अंक पे रहेंगे। क्या बनेगा? sp3d2। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं हम 6 से लेके 10 तो ऑर्गेनिक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फॉर द गिवन ग्राफ बिलो एडॉप्शन मैक्सिमम, अब देखो ग्राफ से क्लियर है x/m मैक्सिमम कौन सी पे आ रहा है? 195 ऊपर ही आ रहा है, तो क्या आंसर आएगा बेटा? 195। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 की बात करें तो 12 पढ़ो बेटा एक बार। 12 में क्या है? अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ए गैस गिव्स टू 2C गैस + B गैस। क्लियर। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट कौन सा है ढूंढना है बेटा। फर्स्ट है T=5 सेकंड, तो देखो T5 अगर ग्राफ ध्यान से देखें तो T=5 पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, इक्विलिब्रियम अचीव तो हो रहा है। KC क्या होगा बेटा? KC होगा कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। तो C का जो कंसंट्रेशन देखो 2C+B है ना, तो देखो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? टाइम के साथ बढ़ती है ना, तो नीचे वाले ग्राफ प्रोडक्ट के हैं, ऊपर वाले रिएक्टेंट के हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ इस टाइप से ग्राफ है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो किसका है? रिएक्टेंट का, A का है। और प्रोडक्ट में देखो C के 2 मोल है, B का 1 मोल है, यानी ऊपर वाला C का होगा, नीचे वाला B का होगा बेटा। तो C की कंसंट्रेशन ऊपर वाली कितनी है? 4 है, तो 4 × 4। और B की कितनी है? B की है बेटा 2। ग्राफ से दिख रहा है क्लियर? यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ 8 है। इनिशियल इसकी 10 थी बेटा, ठीक। अपॉन A की कितनी है? 8 है, तो कितना हो गया? 4 आ गया बेटा। और यहाँ क्या दिया हुआ है? देखो मैंने केवल मोल लिए हैं, सॉरी कंसंट्रेशन ही यहाँ पे, ठीक है। तो KC 4, बट यहाँ 40 दे रखा है बेटा, तो ये रॉन्ग हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है T=5 सेकंड इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड एंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ A, निकाल लीजिए बेटा। A के 8 मोल बच गए, तो डिसोसिएट कितने में? 2 हो गए ना, तो अल्फा कितना हो गया? डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल इंटू
100 तो 20% क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो सेकंड आपका करेक्ट है बेटा। थर्ड में क्या दिया हुआ है, अल्फा 30% 40 दोनों इनकरेक्ट हो गए। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, नोट डाउन करो आप यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है बेटा, PKa ऑफ NH4+, PKa है आपका NH4+ का गिवन है 9.26। हेंस इफेक्टिव रेंज ऑफ NH4OH+ NH4Cl, यानी ये वीक बेस हो गया और ये वीक बेस HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये क्या बन गया अल्टीमेटली, बेसिक बफर। क्या बन गया, बेसिक बफर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, इसमें पूछ रहा है इफेक्टिव रेंज, रेंज क्या होती है बेसिक बफर की, POH इक्वल टू PKb प्लस माइनस 1 होती है। तो PKa आपके पास है तो PKb क्या होगा, 14 माइनस PKa, तो ये कितना हो गया 4.74। इट मींस क्या हो गया, 4.74 प्लस माइनस 1, यानी माइनस 1 करो 3.74 से 5.74 ऑप्शन में है क्या बेटा, बिल्कुल ऐसा है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में आपसे पूछा जा रहा है सेल रिएक्शन है, इनोड सेल गिवन है, अलग अलग टेम्परेचर गिवन है, एंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा एस क्या होता है, NFDE/dT, क्या होता है NFDE/dT, यही होता है। अब देखो N कितना है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, कितने ट्रांसफर है कॉपर से, कॉपर प्लस 2, N इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2, F क्या होता है 96500 DE, ई सेल में कितना चेंज रहा बेटा, इनोड सेल में 0.46 1.48, तो 0.02 हो गया क्या, अपॉन टी में 310 और 300 तो 310 माइनस 300 कितना हो गया बेटा 10 का चेंज हो गया। इसको आप सोल्व कर लें तो पॉइंट से उड़ा देते हैं बेटा, ठीक है, तो 4 × 9.65/10 हो गया क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3860/10 ऑप्शन में आएगा 386, बिल्कुल बेटा, तो सेकंड आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योमेट्री एट सल्फर इज बेंट, बेंट कब होती है, या तो होती है 2+2 में या 2+1 में, ठीक है, यानी 2σ2 lone pair 2σ1 lone pair में, यानी sp3 में एक केस आता है और एक sp2 में केस आता है। तो देखो फर्स्ट बात करते हैं s8, तो देखो s8 में क्या होगा, एस सेट की बात करें तो क्राउन शेप आती है और क्राउन शेप में सारे स्टेप्स स्टिक आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एस, तो एस देखो एस के ऑर्डर में कितने होते हैं बेटा, एस के ऑर्डर में होते हैं कितने, 6 में 2 काम में आ जाएंगे, कितने में जाएंगे 4, बोले 2 lone pair, तो 2+2, तो क्राउन शेप में भी क्या होगा बेटा 2+2 यानी बेंट आ गया, तो ये भी सही है। SF2 सेम ये शेप आएगी आपकी, ठीक है, सेम आ गई तो 2+2 होगा ये भी, ठीक है। SO2S के आउटर में 6, बॉन्ड में कितने काम आएंगे बेटा 4, कितने बजे 2 lone pair, तो ये हो गया 2+1, तो 2+2 2+1 दोनों केस में बेंड होती है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो गया बेटा 1 हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे, विच टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन PsCl3, तो देखो ध्यान दो बेटा, नोट डाउन करें यहाँ तक, PsCl3, तो हमें स्ट्रक्चर डो करते हैं P डबल बॉन्ड SClCl, तो इसमें 5 बॉन्ड है, तो P का आउटर सेल क्या होता है बेटा 3s2 3p3, अगर 5 बॉन्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3d में आपको भेजना पड़ेगा 3s 3p 3d, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ चल जाएगा आगे। अब देखो अगर बात करें इसमें सिग्मा कितने हैं बेटा, पी के आउटर में 5 होते हैं, बोन में 5 के 5 काम में आ गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी लोन पेयर 0, तो सिग्मा कितने हो गए 1 2 3 4 4+0 sp3 क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 ये तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण हो गया, ठीक है। अब पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाई अन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है,
पाईबंद का निर्माण हमेशा असंकरित कक्षकों के द्वारा किया जाता है। इट मीन्स क्या बनेगा इसमें, 3D पाई और ओ, साथ में क्या है, क्लोरीन है, सॉरी सल्फर है, तो सल्फर की वैलेंसी क्या हो, आउट क्या हो, 3H2 3P4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पी का काम में आएगा, अगर बात की जाए तो दो ही तो बॉन्ड है इस टाइप से, तो एक बॉन्ड सिग्मा हो गया, ये वाला पाई हो गया, तो सल्फर का कौन से काम में आया, पी, तो 3D पाई और 3P पाई ऑप्शन है क्या बेटा ऐसा, 3D फर्स्ट रहोगे, 3P सेकेंड रहोगे, 3P 3D थर्ड आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, अब बात करते हैं 17 की। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n, द टाइम ऑफ हाफ चेंज यानी टी हाफ हाफ लाइफ, इक्वेशन गिवन है कि कॉन्स्टेंट है सी नोट इनिशियल, तो पता है देखो n पूछ रहे हैं तो क्या होता है, रिलेशन हमें पता है टी हाफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, सी नोट की पावर 1 - n, एन क्या होती है ऑर्डर, और यहाँ किसके होता है बेटा प्रोपोर्शनल, एन 1 - n, सी नोट की पावर हाफ दे रखा है तो हाफ हो गया, तो एन क्या हो गया बेटा 1 - हाफ बोले तो 0.5। 18 देखिए, बेंजीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, 2 मोल बेंजीन की बर्निंग हो रही बेटा, ये 1 की नहीं हो रही है, 2C6H6 और 2 मोल की डेल्टा एच है, तो व्हाट इज द डेल्टा ई नोट फॉर कंबस्टन और 1.5 मोल के लिए पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ध्यान दें क्या करेंगे, डेल्टा एच नोट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई नोट प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही होता है, तो यहाँ से डेल्टा ई नोट क्या होगा, डेल्टा एच नोट माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच नोट की वैल्यू कितनी है बेटा, -6542, और डेल्टा एन जी क्या होता है, सम ऑफ गैसियस एसटीएम कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो गैस वाले काउंट करने होते हैं, केवल प्रोडक्ट में 12 है गैस है, रिएक्टेंट में 15 है, तो 12 - 15 होगा -3 बेटा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया क्या 3। अब 6542 की यूनिट देखो बेटा क्या है, किलो जूल है, यानी जूल वाला फैक्टर काम में आएगा, 8.314। टेम्परेचर देखो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के 298 लेते हैं, तो 298 को मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूँ 300, अपॉन क्या करते हैं, ये किलो जूल में है, तो ये किस में आएगा, किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो 20 से 20 कैंसिल कर दे बेटा, ठीक है, ये कितना होता है अप्रोक्सीमेट, कितना होता है 25 होगा, ठीक है 25 75, यानी 7.5 में ऐड कर लो, 6542 प्लस 75, यानी ये कितना हो गया आपका, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ बेटा मैं 6500 देता हूँ, देखो वैसे तो कम आएगा पर हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है, क्योंकि डेटा ऑप्शन देखो अपने पास 3271198 59 बहुत डिफरेंस है, तो कुचल जाएगा काम, तो ये 2 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए कितनी आई बेटा वैल्यू 6500, तो 1 के लिए 6500/2, तो 3/2 के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई करना बेटा, तो 2 × 2 = 4 1, ठीक है कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा 6, ये कितना बचेगा 1 बचेगा 2 5 × 3, तो 4900 के आसपास देखो बेटा ऑप्शन है क्या, 4800 बिल्कुल आपका 4 दे रखा, तो 4 तो आपका करेक्ट हो गया। एग्जाम में आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, टाइम सेव करना बेटा, अप्रोक्सीमेट से काम चलाना है। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन डी की, बात करेंगे बेटा इसमें क्या करना है आपको, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर एच प्लस, देखो टी बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एच प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, 25 पे 10^-7 होती है ना, बट 90 की वन है यहाँ पे, और 90 पे एच प्लस कितना है बेटा 10^-6 है, तो पी एच कितनी हो जाएगी 6, किसकी होगी वो भी न्यूट्रल की, यानी स्केल यहाँ पर चेंज हो गया बेटा। अब क्या ले रहा है 100 ml.2 HCl यानी एस ए है और NaKOH SB है, तो ऐसे ऐसे में क्या देखते हैं रिजल्टेंट के लिए, पहले क्या देखेंगे सिग्मा NaVa एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, नॉर्मलिटी और मोलिटी सेम होगी कि VF1 HCl का 0.2, वॉल्यूम कितना बेटा 100, तो कितना हो गया 20 है,
और बेस का 200 और 0.1 है, सिग्मा एन बी फोर बेस के ग्राम ग्लैंड हो गया बेटा, मोलरिटी 0.1 वीएफ 1 इनटू वॉल्यूम 200 कितना हो गया बे 20, दोनों इक्वल है यानी न्यूट्रल रहेगा। और न्यूट्रल की पीएच यहाँ पे कितनी आई है इस स्केल पे 6, तो क्या पूछ रहा है बेटा पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा आंसर 6, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता तो आंसर आपका आता 7। क्लियर बेटा, अब बात करते हैं चार स्टेटमेंट आपके पास हैं, आपको देखना है बेटा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट, एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर एफिनिटी देन डेट ऑफ क्रोमियम फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटा ये ई सी एस एलिंगम कर्व से हम करेंगे और ई सी एस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा एलिंगम कर्व हो जाएगा। तो देखो एल्यूमिनियम ई सी एस में ऊपर आती है तो एलिंगम कर्व नीचे आएगी, तो आपका फर्स्ट भी करेक्ट है। सेकेंड है, एल्यूमिनियम कैन बी यूज फॉर रिडक्शन ऑफ एफ ई, देखो एफ ई सी एस में ऊपर आती है एफ नीचे आता है, एलिंगम में इसका उल्टा होता है भाई, दोनों ई सी एस का अपोजिट एलिंगम समझते हम, ठीक है। तो ई सी एस की अगर बात करें तो ऊपर वाले का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और नीचे वाले का क्या होता है रिडक्शन होता है, तो ये ई सी एस में क्या ऊपर है ये नीचे है तो रिडक्शन हो जाएगी पॉसिबल, क्या बन जाएगा इससे वही ए एल टू ओ थ्री प्लस क्रोमियम, तो इसका रिडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड भी आपका करेक्ट है, या एलिंगम कर से देखें तो ये नीचे आता है एलिंगम कर में ये ऊपर आता है, और एलिंगम कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है नीचे वाले का ऑलवेज क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले क्या होगा रिडक्शन, है नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, तो ये इसको रिड्यूस कर दिया इसने, दोनों से कॉन्सेप्ट रिजल्ट वही आता है। थर्ड बेटा, कार्बन इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, बिल्कुल बेटा ये भी एलिंगम कर्व से है। एस एन ओ टू कैन बी रिड्यूस बाई कार्बन एंड सी एच फोर सेपरेटली, ये सारे एलिंगम कर्व के हैं, तो आपके ऑल ऑफ फोर करेक्ट है बेटा, चारों के चारों करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा बेटा 4 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एन आयोनिक कंपाउंड ए बी है जेडनस टाइप, तो जिंक के सल्फाइड में क्या होता है टीवी होता है, जिंक प्लस टू एस माइनस टू, ये क्या फॉर्म करता है एफ सी सी या सी सी पी, और ये क्या करता है 50% टीवी ऑक्यूपाई करता है, ये होती है स्ट्रक्चर। रेडियस ऑफ कैटाइन दे रखा है और एन एन की पूछ रहे हैं, तो आर प्लस अपॉन आर माइनस क्या होता है 0.225 होता है, कैटाइन की वैल्यू पुट कर देते हैं कितने बेटा 22.5 अपॉन यह जाएगा 0.225 इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन, डिवाइड करो कितना आ गया रेडियस ऑफ एनायन आ गया 100 पिकोमीटर में, क्योंकि आपके पास जो ये 22.5 है किसमें है बेटा वैल्यू पिकोमीटर में है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है एंगस्ट्रॉम में, तो क्या कर देंगे 100 इंटू 10 एस्ट पर माइनस 12 मीटर कर देंगे, क्या कर देंगे सॉरी इसको 10 एस्ट पर माइनस 10 मीटर हो गया, और 10 एस्ट पर 10 मीटर में क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर क्या आएगा 01। हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर रवि जांगड़ वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएलसी। मैं आप लोगों को अभी जो ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन है वो करवाऊंगा, ऑलरेडी जो हमारे सर हैं उन्होंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन करवा दिया आपको, तो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चल रहा है अपना मेजर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले वाला विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है अपने, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी एन बॉन्ड लेंथ इन द गिवन कंपाउंड्स। देखो भैया क्या क्या दे रखा है हमें, यहां पे एन एम ई टू है और ई एन ओ टू है, यहां पे ये एन एम ई टू है, इधर एन ओ टू दे रखा है हमें, ये हमें वी दे रखा है, ये हमें एक्स दे रखा है, इधर NME2 है NO2 है, देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले वाले में NME2 और NO2 है, ऑर्थो पोजीशन पे, यहां पे सर इफेक्ट लगता है, कौन सा इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस,
जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो रेजोनेंस हो रहा है रिंग के साथ में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वो खत्म हो गया तो ये हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये सिंगल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएंगे, सिंगल बॉन्ड आएगा। हमसे बॉन्ड लेंथ पूछिए तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे NO2 जो है वो कौन सी पोजीशन पे, मेटा पे, मेटा पे है तो इसका सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगेगा। ये NO2 इस NME2 के साथ में कोई रेजोनेंस में नहीं है, बेंजीन के साथ में है लेकिन NME2 के रेस्पेक्ट में वो रेजोनेंस में नहीं होगा। यहाँ पे जो NME2 है ये NO2 के साथ में रेजोनेंस में होगा, इसका माइनस आर इफेक्ट हम लोग लगाएंगे, माइनस आर इफेक्ट मतलब रेजोनेंस होगा। और जितना ज्यादा यहाँ पे रेजोनेंस होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, कुछ इस तरीके से हम लोग जो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये डोनेटिंग करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा रिंग के अंदर, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे इधर भी आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तीनों पोजीशन पे। तो अब एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो और बनेगा NO2 के साथ, और हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वहां पे NME2 और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ की हो जाएगी उतनी ही कम हो जाएगी, उतनी छोटी हो जाएगी। यहाँ पे ये दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, यही NME2 दो डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस है, साथ में NO2 के साथ में भी रेजोनेंस है। मतलब अब जो रेजोनेंस है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हमारे पास किस में होगी, फर्स्ट वाले में होगी। क्यों, सर इफेक्ट है तो यहाँ पे हमेशा ही सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमेशा सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पे केवल बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस है, केवल और केवल किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस है। यहाँ पे इसके NO2 के साथ भी है, यहाँ पे NO2 के साथ दो दो डबल बॉन्ड के साथ भी है। तो अब इसके बाद में बॉन्ड लाइन किसकी होगी, एच का नंबर आएगा। उसके बाद में ये लेंगे हम लोग, और लास्ट में यहाँ पे सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि दो डबल बॉन्ड NO2 तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो मतलब सबसे छोटी उसकी बॉन्ड लेंथ। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है, वी एक्स वाई जेड। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड इन बेसिक मीडियम इज। देखो भैया ये सक्सेनिक एसिड है अपने पास, सक्सेनिक एसिड है, हाँ नहीं ये तो ऑक्सैलिक, सॉरी ये अपने पास सक्सेनिक एसिड है। यहाँ पे अगर नॉर्मल सक्सेनिक एसिड में देखे तो जो ऑर्डर आता है स्टेबिलिटी का वो आता है गॉश, देन स्टैगर्ड, देन एक्लिप्स्ड। पहले गॉश ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉश ज्यादा स्टेबल होता है, फिर स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स। लेकिन इसे ही जब हम लोग बेसिक मीडियम में देखेंगे तो क्या होगा, बेसिक मीडियम ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एसिडिक हाइड्रोजन चले गए तो क्या अब इसके पास कोई हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं तो फिर अगेन ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर गॉश, फिर एक्लिप्स। ठीक है, वहां पे नॉर्मल है मतलब कोई बेसिक कंडीशन वगैरह नहीं दे रखी, नॉर्मल सॉल्यूशन है, तब ये ऑर्डर होता है बेसिक कंडीशन के अंदर, और वो क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, स्टैगर्ड, फिर गॉश, फिर एक्लिप्स। तो हमसे भी सक्सेनिक एसिड में जो पूछा है वो बेसिक मीडियम में ही पूछा है, और बेसिक मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब स्टैगर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनटीबी कहते हैं, स्टैगर्ड को ही हम लोग एनटीबी कहते हैं। चले आगे हम लोग कंपेयर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये 7 हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या बोल रहा है हमें,
कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करनी है। सबसे पहले वाला हमें ये दे रखा है, वेज के ऊपर एस ई टी दे रखा है, ठीक है। डैश पे हमें क्या दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। अब देखो भैया, यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है, वो है एनजीपी। यहाँ पे इसके बैक साइड में जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके पास लॉन पेयर है, वो इसे बाहर निकालने में हेल्प करेगा। एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पहले हो रही है, एनजीपी हो रही है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से ये एक इंटरमीडिएट बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं इसे, ये हो रही है। और ये रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, SN1 और SN2 से भी फास्ट होती है। अगला जो दे रखा है, अगले वाले में हमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एक ये ब्रोमीन दे रखा है, और जो सॉल्वेंट दे रखा है मुझे वो ETOH दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है। मतलब यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रही है वो कौन सी हो रही है, SN1 मैकेनिज्म हो रही है। SN1 रिएक्शन जो होती है वो SN2 से जनरली फास्ट होती है, ये हो गए। नेक्स्ट जो है R जो मुझे दे रखा है, वहां पे ये डैश के ऊपर है SET, और ये जो BR है वो भी डैश के ऊपर है, इथेनॉल के साथ में रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे भैया जो रिएक्शन होगी उसमें कोई फैक्टर इस तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब वहां पे हम लोगों ने SN1 रिएक्शन बोल दिया, यहाँ पे इसकी बैक साइड से कोई हेल्प नहीं करेगा, बल्कि एक कम स्टेबल इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो SN1 रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, ठीक है, ईजिली बाहर निकलेगा। यहाँ पे ये इसका क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। जो भी इंटरमीडिएट हमारे पास बन रहा है, जो कार्बोकेटाइन हम लोग बना रहे हैं, वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या बोल देंगे हम लोग कि स्लो होगी, ठीक है, धीरे होगी। तो सबसे पहले ये क्या था हमारे पास, पी था, ये क्यू था, ये क्या था, आर था। तो सबसे फास्ट रिएक्शन एनजीपी वाला पी, उसके बाद में दोनों में SN1 है, तो फास्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि एक स्टेबल यहां पे हमारे पास में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद में ये आएगा PQR, ये ऑर्डर हमारे पास में आ जाएगा। चले हम लोग आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास, दे रखा है हमें कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CO CH3 HG+ एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। एल्काइन का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ये OCH3 दे दिया, HG+2 और यहां पे H+H2O दे रखा है, H+H2O हमें दे रखा है। वैसे क्या कहते हैं हम लोग इस रिएक्शन को, एल्काइन का जो हाइड्रोलिसिस करते हैं उसे हम लोग क्यूचनॉव्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखो भैया क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले HG+2 जो है वो इसके साथ में रिएक्शन करके इस तरीके से एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन बनाता है, बनाते नहीं है एग्जैक्टली ट्रू कार्बोकेटाइन नहीं बनता, लेकिन हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जहां पे भी एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट या फिर कह दो स्टेबल इंटरमीडिएट टाइप हम लोग बना सके, वहां पे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, मतलब H2O का अटैक करवाएंगे। और वो कहां पे है मेरे पास, वो कहां पे है, वो इस कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग लेकर आते हैं तो वो
हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड, ऑक्सीजन के लॉन पेयर के रेजोनेंस की वजह से वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग जो है आगे ये बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड, ये इसके ऊपर HG प्लस लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर ये OH पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे CH3। इसमें से मैं H प्लस को एलिमिनेट कर दूँ और इस HG प्लस को रिप्लेस कर दूँ, माइनस H प्लस प्लस एच प्लस, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो बन जाएगा CH3। कार्बन के ऊपर एक H आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन OH एंड OCH3। और भैया सीधा सा टॉटोमराइजेशन करवा दो, आप टॉटोमराइजेशन करवा दो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब हम लोग इसको इधर लिख देते हैं, टॉटोमराइजेशन करवा दिया हम लोगों ने, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 ये हम लोग बना देंगे। और ऐसा मुझे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, मुझे ऐसा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है भैया। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से बना है, जहां पे भी एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है हम लोगों ने वहां पे अटैक करवा दिया। नॉन क्लासिकल टाइप कार्बोकैटायन बनता है, कोई ट्रू कार्बोकैटायन नहीं बनता। रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, ये हो गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 में, स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आइसोलेटेड एज। ठीक है, ये COONA और इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। कॉल्बे रिएक्शन हो गई, ये कॉल्बे रिएक्शन है, क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, रेडिकल जो बनेगा, जो यहाँ पे मेरे पास रेडिकल और रेडिकल बनेगा, उन दोनों को मैं क्या कर दूँ, आपस में जोड़ दूँ इधर, और साथ में मैंने बाहर क्या निकाल दिए, मैंने 2 CO2 बाहर निकाल दिए। ठीक है भैया, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मैकेनिज्म पढ़ते हो आप लोग, रेडिकल मैकेनिज्म से दिखाते हैं इसको। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही 2 रेडिकल बनेंगे, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, उन दोनों रेडिकल को मैंने क्या कर दिया, मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। यो अब आगे जो है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है क्यों, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है भैया। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो आपस में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर डाइमराइजेशन कर सकते हैं। क्यों, उनको ये चाहिए कि किसी भी तरीके से, या तो कुछ और अगर सॉल्यूशन में होगा तो उसके साथ कंबाइन करेंगे, और नहीं है तो ये क्या करेगा, ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़कर डाइमराइज हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा देते हैं, ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, ये एक और साइक्लोब्यूटाडाइन है जो हमारे पास में सॉल्यूशन में बनेगी। अब देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इस तरीके से ये रिएक्शन करेंगे तो जो स्टेबल प्रोडक्ट हमें जो आइसोलेट होकर मिलेगा वो ये है। अब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं रहा, कैसा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा ही स्टेबल होता है, तो ये आइसोलेट होगा मुझे, ना कि ये गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है बट आइसोलेट नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं है, ये आइसोलेटेड प्रोडक्ट ये है, तो 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है हमें, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसका मेजर प्रोडक्ट हम लोगों से पूछा है, कौन सी रिएक्शन दे रखी है भैया, ये आप लोगों को वुल्फ किशनर रिडक्शन आप लोगों को दे रखा है, N2H4 दे रखा है और KOH वगैरह ये सब दे रखा है। तो वुल्फ किशनर में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे जो कंपाउंड्स हैं विच आर सेंसिटिव टू बेस, तो कुछ साइड रिएक्शंस भी यहाँ पे होती हैं, कुछ साइड रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पे करवा देते हैं।
हाइड्रोजन हमें दे रखा है, KOH हमें दे रखा है, और फिर बाद में हाइड्रोजन के साथ KOH ले लो, और फिर बाद में हमें क्या दे रखा है, H2O दे रखा है, ठीक है। तो देखो वुल्फ किशनर रिडक्शन है, क्या वो ईथर पे अटैक करेगा, ईथर पे कुछ करेगा नहीं, बेसिक मीडियम में हम लोग ईथर का कभी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाते, हम लोग किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम होता तो मैं जरूर इसका ईथर का हाइड्रोलाइसिस करवाता, बेसिक मीडियम में नहीं करवाते। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, इसका रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, डबल बॉन्ड ओ का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि यही तो वुल्फ किशनर रिएक्शन है मेनली अपने पास में। कार्बोनिल को हम लोग CH2 में चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, कार्बोनिल को CH2 में चेंज कर देते हैं, एल्केन, इस तरीके से ये बना दिया। अब लेकिन यहाँ पे एक साइड रिएक्शन और हो सकती है, वो क्या कि मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, OH-, KOH न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, और भैया ये जो क्लोरीन है इस बेंजीन रिंग में है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन है, तो भैया ये सारी रिएक्शन फेवर कर रही है ARSN2 मैकेनिज्म को, किसको, ARSN2 मैकेनिज्म को, तो OH- अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे हम लोग, क्या कहते हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इनके साथ साथ ये साइड रिएक्शन और होगी, जहाँ पे ये OH आ जाएगा और यहाँ पे NO2 मुझे ये तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल ये तो करवाई हमने, साथ में ये साइड रिएक्शन और होती है भैया, हो रही है इसमें। तो ऐसे जो होते हैं मटेरियल जहाँ पे कुछ साइड रिएक्शन होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बेस सेंसिटिव कंपाउंड, मतलब बेस की प्रेजेंस में कुछ साइड रिएक्शन हो रही है, बेस सेंसिटिव कंपाउंड कह देते हैं। तो चले हम लोग, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों के पास, इसमें आंसर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट आंसर, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएंगे, वो बेसिक मीडियम में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज इनवर्ट शुगर एंड व्हाई इज इट सो नेम्ड। इनवर्ट शुगर जो है वो क्या है, प्रतिप शर्करा क्या है, तथा ऐसा नाम उसे क्यों दिया गया, भैया समझ लेते हैं इसको क्यों दिया गया क्या है, फिर ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। इनवर्ट शुगर, इसे हम लोग सुक्रोज को कहा जाता है, किसे कहते हैं इनवर्ट शुगर, सुक्रोज को कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है सुक्रोज का, तो हमें मिलता है डी ग्लूकोज, साथ में डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, ठीक है, वही C6H12O6 है। अब देखो भैया सुक्रोज जो होता है उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस 66.5 होता है। डी ग्लूकोज का ये भी पॉजिटिव होता है, डेक्सट्रोज कहते हैं इसे, डेक्सट्रोज नाम है इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इस तरीके से होता है, तो पॉजिटिव होता है ये लगभग 52.5, लेकिन जो फ्रक्टोज है इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है -92.5 इसके अराउंड ही कुछ है ना, 92.5। तो देखो जब तक हाइड्रोलिसिस नहीं था तब तक ये कैसा था, ऑप्टिकल रोटेशन कैसा था, पॉजिटिव वैल्यू थी, पॉजिटिव, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो ये बने, और दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, जितना ग्लूकोज बनेगा उतना ही फ्रक्टोज भी बनेगा, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं इन दोनों को ऐड करूं तो वैल्यू किस में आएगी मेरे पास, नेगेटिव में आएगी। तो अब जो ओवरऑल रोटेशन मुझे मिल रहा है वो नेगेटिव में हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया हाइड्रोलाइसिस करने पर, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनवर्ट शुगर है, ठीक है, कि इन्वर्जन हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया, तो इसीलिए प्रतीप शर्करा या ये इन्वर्ट शुगर इस सुक्रोज को कहते हैं। तो ऑप्शन देखें हम लोग, अब पहला क्या बोल रहा है, द शुगर मिक्सचर फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज फ्रक्टोज इज आइसोमराइज्ड टू ग्लूकोज, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, द शुगर मिक्सचर फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज द ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल यही बात है, सेकंड वाला सही है। तीसरा क्या कह रहा है, द शुगर मिक्सचर फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च तो है ही नहीं, सुक्रोज लेते हैं हम तो यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, द शुगर मिक्सचर फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ना स्टार्च है ही नहीं, सुक्रोज है, आगे बात समझ में। तो आंसर क्या कह देंगे हम लोग यहाँ पे, 20 का सेकेंड आंसर हो जाएगा। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1,
यहाँ पे दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स मुझे देखने देखने भैया। ये हमें दे रखा है यहाँ पे वेज पे मिथाइल लगा रखा है, वेज पे मिथाइल लगा रखा है, इसका ब्रोमिनेशन हम लोग करवा रहे हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे ये हम लोगों को देखना है। सबसे पहला तो आप लोग ये बना सकते हो कि इसके ऊपर क्या लगा दिया, CH2Br लगा दिया, बना सकते हो CH2Br। दूसरा आप यहाँ पे Br लगा सकते हो CH3, ठीक है ना। अब वो एक तरीके से मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो था वो चेंज हो गया इसका, और अब यहाँ पे अगर मैंने ब्रोमीन लगाया तो ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है और ना ही वो ज्योमेट्रिकल देख सकता है, इसलिए मैंने नॉर्मल लिख दिया। अगला आप जो है यहाँ पे इसको तो चेंज नहीं करेंगे, ये तो फिक्स ही रहेगा, वेज पे दे रखा है तो वेज पे ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे रिएक्शन नहीं करवा रहा। और मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ रहा हूँ, ब्रोमीन को जोड़ रहा हूँ। तो अब दो चीजें हो सकती है कि ब्रोमीन वेज पे जुड़े या ब्रोमीन डैश पे जुड़े। जैसे अगर वेज पे जुड़ा तो ये क्या हो जाएगा, सिस बन जाएगा, और यही ब्रोमीन अगर डैश पे जुड़ा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मुझे, मैं नॉर्मल इसे लिख के मैं इसको लिख देता हूँ cis+trans, ठीक है, cis+trans दो पॉसिबिलिटी मेरे पास हो रही है यहाँ पे। और या फिर ये भी देख सकते हो, cis+trans नहीं देखो तो ये भी देख सकते हो भैया क्या, कि यहाँ पे जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन तो मैं चेंज कर नहीं सकता, वो तो फिक्स है। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक बार आर हो सकता है, एक बार एस हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो भी वही दो है, सिस्ट्रांस देखोगे तो भी दो ही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे ये मत देखना कि सर वो भी है, उसे भी चेंज, उससे भी मतलब आर एस देख सकते हैं ना, वो मुझे फिक्स दे रखा है तो वो फिक्स ही रहेगा। अगला देखो और क्या बना सकते हो फिर आप लोग, यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग बी आर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वही दो बन सकते हैं, cis+trans बना सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पे जो फिक्स है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक बार आर हो जाए, एक बार एस हो जाए। यहाँ पे जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी अब काइरल सेंटर तो नहीं होगा, वो बी आर वहां पे लग गया तो काइरल सेंटर तो नहीं होगा, बट हाँ सिस्ट्रांस जरूर होगा, cis+trans इसमें भी बन जाएगा। इसमें कोई सिस्ट्रांस नहीं, इसमें कोई काइरल सेंटर नहीं, कोई सिस्ट्रांस नहीं, ठीक है। तो टोटल अब काउंट कर लो कितने बन गए आपके पास, एक इसमें दो इसमें टोटल कितने हो गए, 8 हो गए भैया। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। चले हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें डैश पे क्लोरीन है, इधर डैश पे क्लोरीन है, ये इधर वेज पे क्लोरीन दे रखा है हमें, किस पे दे रखा है, वेज के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे वेज पे क्लोरीन दे रखा है, यहाँ पे वेज पे क्लोरीन दे रखा है। रिएक्शन किसके साथ में करवानी है हमें, जिंक के साथ में करवानी है भैया। ये रिएक्शन कैसी होती है, E2 मैकेनिज्म से होती है, मतलब जिंक जो होता है वो पहले कहीं पे भी इंसर्ट करवा दो, जैसे यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया तो ये ZnCl इस तरीके से इसमें इंसर्ट होगा पहले, ठीक है। यहाँ पे Cl है, ये है। अब क्या होगा, ये दूसरे क्लोरीन को निकालेगा, उसके साथ में बाहर निकलेगा, लेकिन वो कैसे, क्या होना चाहिए, E2 मैकेनिज्म है तो ओपोजिट में होना चाहिए, किधर होना चाहिए, ओपोजिट में। तो ये ZnCl
ये इधर निकला, इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग, डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड बना देंगे, दो क्लोरीन हम लोगों ने इधर से बाहर निकाल दिया। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये फिर अपने पास क्लोरीन है। तो अभी एक जिंक को लेकर, एक जिंक को काम में लेकर हम लोगों ने ZnCl2 जो है बाहर निकाल दिया। भैया ऐसे ही दो जिंक और काम में आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ये क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पे, एंटी में है, एक दूसरे के ओपोजिट है। और ऐसे ही ये क्लोरीन और ये क्लोरीन भी क्या है, एक दूसरे के ओपोजिट में है, एंटी में है। तो ये भी बाहर निकल जाएंगे और मेरे पास में बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। और ओवरऑल आप लोगों ने, ओवरऑल आप लोगों ने कितने ZnCl2 या कितने जिंक काम में लिए? तीन जिंक काम में लिए भैया, 3 Zn काम में लिए हैं, उससे आप लोगों ने 3 ZnCl2 निकाला है, बनाया है। तो कितने हेलोजन निकाल दिए टोटल? पॉसिबिलिटी कितनी है सारी, सारे के सारे मतलब 6 हेलोजन एटम हम लोग इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में? जिंक है, E2 मैकेनिज्म शो कर रहा है इस तरीके से। तो भैया ये आपका पेपर का सॉल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक का सारा, ठीक है, पढ़ते रहो आराम से। जय CLC। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका क्या है, ऑनलाइन DTS फॉर JEE मेन का 5th मेजर हुआ और इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे मैथ्स का। इससे पहले आपके 4 फुल सिलेबस हो चुके मैथ्स के, माइनर भी हो चुके हैं ना, जिसमें JEE मेन्स और एडवांस दोनों के होते हैं। तो अभी अपन करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑनलाइन DTS फॉर JEE मेन्स में मैथ्स का फुल सिलेबस का मेजर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ्स CLC सीकर, शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स Y=C sin x कैन बी गिवन बाय Y=C sin x। तो अपने को फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है अपने को और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं करना, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं अपन, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, कितने हैं यहाँ पर, एक है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने से काम चल जाएगा अपना। तो मेरा जो तरीका है वो क्या है कि कॉन्स्टेंट को आप अकेला कर दो, कॉन्स्टेंट को आप अकेला कर दो, जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, डेरिवेटिव 0 आ जाए, ठीक है। तो चलो लेट्स डू, क्या उसे क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला, अपॉन में क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉन्स्टेंट का 0, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, Y-sin x माइनस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, है ना, उसको नीचे से उधर ले गए तो 0। अब क्या हो जाएगा अपना, Y- आ गया, कुल मिलाकर ये Y cot x आ गया, क्या आ गया, Y cot x। तो dy/dx क्या लिख सकते हो मैं इसको, dy/dx इक्वल टू Y cot x, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं अपन, सेकंड में कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू व्हाट, fx इक्वल्स टू 2bx² माइनस x^4 माइनस 3b। ये आपसे कह रहा है कि आपको fx फंक्शन दे रखा है, fx दे रखा है अपने को क्या, 2bx² माइनस x^4 माइनस 3b। अपने को कह रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज gb, कितनी है वो gb। तो कह रहा है बताओ, क्या बताना है अपने को, इफ b वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ b, यदि b चेंज होता है ना, b की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, b वेरी करता है, तो अपने को gb की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, निकाल लेते हैं gb की मिनिमम ना, ओके मिनिमम वैल्यू ऑफ gb कर लेते हैं। तो fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, gb। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gb, सॉरी fx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, एंड हाउ विल फाइंड इट, अपन इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए एक काम करूं मैं, इसमें से पहले माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा x^4 माइनस 2bx² और माइनस 3b को अलग रहने दो, तो ये क्या बन गया, x² माइनस बी, x² माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। और माइनस कर दें इसमें से क्या, अपन b² और माइनस पहले से बार, तो प्लस का हो गया b², कितना गया 3b, सही कर रहा है ना, x^4 आ जाएगा, माइनस का 2bx² आ जाएगा और प्लस का b² से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना।
चलो आगे चलते हैं अपन। तो अब ये आ गया अपने पास एफ एक्स। अब ये बताओ मेरे को एफ एक्स मैक्सिमम कब होगा? आपको पता है ये नेगेटिव होगा हमेशा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज नॉन नेगेटिव, बट उसके आगे माइनस का साइन है, तो हमेशा क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, या आइदर इट कैन बी जीरो, है ना। कहाँ पर? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस अंडर रूट बी। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी होगी तो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा टर्म, ठीक है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? एफ मैक्स कितना हो सकता है अपना? बी स्क्वायर माइनस थ्री बी। अब एफ मैक्स आ गया अपने पास। अब एफ मैक्स कौन है अपने पास? जी बी। एफ मैक्स कौन है? जी बी। सो वी हैव जी बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस थ्री बी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ जी बी। तो निकाल सकते हैं आराम से। क्या करोगे आप? इसको मिनिमम करना है, कर दो फटाफट से। जी बी इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, बी माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस करोगे आप तो माइनस नाइन बाई फोर। तो कितना आ गया ये? ये आ गया अपने पास बी इक्वल्स टू जी बी मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस नाइन बाई फोर। क्यों? क्योंकि ये तो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये मैक्स मिनिमम वैल्यू कब देगा? जब ये टर्म क्या हो जाए अपना? जीरो हो जाए। एंड इट विल बी मिनिमम व्हेन बी इक्वल टू क्या होगा? थ्री बाई टू। तो थ्री बाई टू पे क्या हो जाएगी वैल्यू? मिनिमम देगी, देगा जी बी, और वो कितना होगा? माइनस नाइन बाई फोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है देखो, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस सेक इनवर्स एक्स इन टू वन प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अपने को क्या करना है? इसका रेंज निकालना है, और रेंज निकालना है इसका मतलब मैं क्या करूंगा? पहले तो इसका देख लें अपन क्या डोमेन। तो आपको पता है कि सेक इनवर्स का डोमेन, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फाइनेट, ठीक है ना। और इसका डोमेन क्या होगा अपना? माइनस वन से प्लस वन। तो दोनों में कॉमन डोमेन क्या आया? एक्स इक्वल टू माइनस वन कॉमा प्लस वन, एलिमेंटल माइनस वन एंड प्लस वन। तो अपन एक काम करें छोटा सा, अपने को ये जो डोमेन आया है इसी पर अपन वैल्यूज निकाल लें, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू माइनस वन रखोगे आप तो यहाँ से क्या मिलेगा? चेक कर लो फटाफट से, माइनस वन, चलो कर लो आंखों ही आंखों में, सेक इनवर्स ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा? पाई। तो वन प्लस पाई आ गया, सेक इनवर्स ऑफ माइनस वन ये भी पाई, तो क्या हो जाएगा? वन प्लस पाई का होल स्क्वायर आ गया। और वन रखो तो क्या हो जाएगा? जीरो पर वन होगा, जीरो पर वन होगा तो वन इंटू वन वन, तो ये आ गया वन कॉमा वन प्लस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गई इसकी रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या कह रहा है ये, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू एल एन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि अपने को ये समझ में आना चाहिए कि मैं किसको टी पुट कर दूं कि मेरे को जो रिजल्टिंग फंक्शन है, जो उसका डेरिवेटिव है, वो उसमें अवेलेबल मिल जाए, या फिर मेरे को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके या प्लस माइनस करके अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो ना, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है कौन? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे को जो फील आ रही है ना, आपको याद होगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करके एक फॉर्म होती है अपनी, है ना, इंटीग्रेशन में। तो आप इसको क्या करो, सीधे सीधे ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू एल एन एक्स को क्या कर दो? टी पुट करके देख लो। तो टी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या कर लें अपन? प्रोडक्ट रूल लगा दें तो क्या हो जाएगा? एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू सेम सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अच्छा कौन बच गया अपना? एल एन एक्स रह गया, एल एन एक्स इंटू करेंगे ना सेकेंड फर्स्ट फंक्शन को, तो क्या रह गया अपना? अपने पास मिल गया e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स कॉमन आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो ध्यान से देखो क्या मिल गया अपने को, e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस
इंटू वन अपॉन एक्स, मिल गया कंप्लीट फंक्शन। तो अपन क्या बन गया, अपना आई बन गया, इसको आई बोल देते हैं, ठीक है ना। अपने को इंटीग्रल मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीधे dt, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीधे dt। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से t का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा अपना t हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख दिया, t प्लस सी। तो t का वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा t का वैल्यू, बताओ जल्दी से फटाफट से, e टू दी पावर साइन इनवर्स x इंटू एल एन एक्स प्लस सी। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, आई एम गेटिंग द आंसर, आई इक्वल्स टू e टू दी पावर साइन इनवर्स x एल एन एक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, इफ ए क्यू इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, देन आई प्लस ए स्क्वायर, आई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वॉट। मतलब मैं आपको बता दूं, एक कोई मैट्रिक्स है ए, और उसका जो क्यूब है ए क्यूब, मतलब ए को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग जीरो मैट्रिक्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपने से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। एक काम करूं मैं, मेरे को जिसकी वैल्यू निकालनी है मैं उसको क्या मान लूं, पी मान लूं क्या, कोई एक मैट्रिक्स आ रही होगी पी, पी मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ए आई ए, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, देन ए क्यूब इक्वल्स टू पी ए, करेक्ट। अब अपने ने क्या किया, ये देखा कि अपने को क्या गिवन है, ए क्यूब इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, तो ए क्यूब तो क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो अपन सीधे लिख सकते हैं आई ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, लिख दिया। अब आगे चलें, अब मेरे को क्या चाहिए इसमें, अपने को चाहिए था पी का वैल्यू, चाहिए था अपने को पी का वैल्यू चाहिए। तो देखो एक काम करो, छोटा सा क्या करोगे बताओ, आई ए, आई इंटू ए तो ए हो गया, इसको हटा दूं मैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको जो चाहिए वो चाहिए पी का वैल्यू, और पी कौन है, आई प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे सामने ए प्लस ए स्क्वायर तो है बट आई नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों तरफ ऐड कर दी, सही है ना। तो ऐड करती क्या हो गया, मजा आ गया, ये तो क्या बन गया अपना पी, तो ये पी मैट्रिक्स बन गया, और यहाँ क्या हो गया, आई प्लस पी प्रोडक्ट ए। तो यहाँ से क्या मिल गया अपने को, कुल मिला के आई इक्वल्स टू आ गया पी माइनस पी ए, है ना, इसको मैं वहाँ ले गया। अब आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस ए, इसको हमने लिख दिया पी प्रोडक्ट आई माइनस ए। तो एक बात बताओ, मेरे को पी निकालना है, तो पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी इक्वल्स टू आ जाएगा अपना आई माइनस ए का इनवर्स, ठीक है, आ जाएगा। तो अब नई बात क्या आ गया, पी मैट्रिक्स आ गया ये, ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। अपने पास तीन इक्वेशन अपने को गिवन है, और कह रहा है कि तीन नहीं, दो इक्वेशन गिव, एक इक्वेशन गिवन है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें ये कह रहा था आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन इन एक्स एंड वाई सच दैट दिस एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो प्लस 4x प्लस 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 2y माइनस 1 इंटू 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू जीरो। देखो कैसे करेंगे, अपने को कह रहा है कंसीडर दी फॉलोइंग इक्वेशन इन x एंड y, हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू x कॉमा वाई, आपको इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना, विद रियल x एंड y डज द इक्वेशन हैव, ये इक्वेशन रियल एक्स और वाई रखती है, उसके लिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको मैं बता दूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने आपको, तो पहले क्या करो आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए तरीका क्या रहेगा अपना, इसको मान लेते हैं अपन अल्फा, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बीटा, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखो एक दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो बात ये कि अल्फा और बीटा दोनों ही जीरो हों, तब क्या हो जाएगा, दोनों ही जीरो हो गए तो कंप्लीट जीरो आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो और फोर एक्स माइनस प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ से, फाइव एक्स मल्टीप्लाई करके, ऐसा करते हैं फोर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, है ना, तो फोर से मल्टीप्लाई करो इसको और इसको माइनस कर दो इसमें से, है ना। तो ऐसा करो, ये आ जाएगा फोर टू जा एट,
तो माइनस का 11 वाई, वाई इक्वल टू जीरो आ गया, वाई इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस वन, चेक कर लो y इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को एक सॉल्यूशन मिल गया, क्या 1, 0। अब सेकंड केस, जब अल्फा और बीटा जीरो नहीं है, अल्फा एंड बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या करोगे आप, अल्फा बीटा से डिवाइड कर दो पूरे को, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो आपके सामने क्या नजर आ रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा अपॉन प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब इसको मान लो आप टी, क्या मान लो इसको टी, टी मानते ही क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा, देखो टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि टी क्या लिया है अपन ने, नॉन जीरो लिया है ना, टी नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, है ना। अच्छा ठीक है, तो एक काम करूँ मैं छोटा सा, ये बताओ मेरे को इसको सॉल्व करोगे तो रूट्स कैसे आएंगे इसके, इमेजिनरी आएंगे नहीं आएंगे, डी क्या आएगा इसका लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो आ रहा है, रूट्स इमेजिनरी आएंगे, और अपने से कैसे रूट निकलवाने था उसको रियल, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या नहीं है ये पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के इसका क्या आएगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, है ना, क्या होगा एग्जैक्टली 1 रियल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यस, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या कह रहा है ये, 10b इक्वल्स टू 3 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, देन 10a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा, है ना, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, रिपीटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इफ 10b इक्वल्स टू 3 साइन ए कॉस ए अपॉन में 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a प्लस बी। मेरे को पता है कि 10a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू राइट व्हाट फॉर्मूला ऑफ दिस 10a प्लस बी, क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो क्या मैं एक काम करूं उसमें वैल्यू पुट कर दूं 10a 10b की, तो क्या मिल जाएगा अपने को 10a प्लस 3, एक काम करो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, मजा नहीं आ रहा, क्या करो आप कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ऊपर तो बन गया 3 10a और नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 3, और प्यार से लिखो इसको, क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 2, ठीक है ना, अब थोड़ा इजी लग रहा है देखने में, ठीक है। अब पुट करो उस वैल्यू को, तो क्या आ रही है ये वैल्यू 3 10a अपॉन 10 स्क्वायर ए माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस, शॉर्ट में लिख दूँ 10a इंटू 3 10a अपॉन में 10 स्क्वायर ए माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप आराम से, यहाँ से क्या होगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, कर लो आराम से कर लेना, है ना, क्या हो जाएगा 10 क्यूब ए माइनस का 2 10a प्लस का 3 10a, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब ए माइनस का आएगा 2 10a और प्लस का क्या बैठा हुआ है अपने पास 3 10a, तो 3 में से 2 गया तो प्लस का 10a बचेगा। नीचे आ जाओ, एलसीएम तो कट जाएगा दोनों का, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या आएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए में से माइनस का 3 10 स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा माइनस का 2 10 स्क्वायर ए बचेगा, माइनस का 2 10 स्क्वायर ए और माइनस का 2 है, तो एक काम करो ऊपर से 10a कॉमन ले लो, तो अंदर हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे से कॉमन ले लो माइनस का 2, तो फिर से 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो क्या बचा अपने पास माइनस का हाफ 10a बचेगा, नहीं बचेगा, क्या बचेगा माइनस का हाफ 10a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आ गया किसका 10a प्लस बी का ये आया वैल्यू, ठीक है, क्या आएगा 10a प्लस बी वैल्यू आएगा माइनस हाफ 10a, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा, ठीक है ना। अपन के क्या कर लिया 10 स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू माइनस 1 के केस में क्या कर दिया इसको अपन कट कर दिया ना, 10 स्क्वायर ए क्या नहीं है नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये लेते हुए क्या कर दिया इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। चलो अब आगे चलें फटाफट से, 10a की वैल्यू कब होगी माइनस 1, हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर ए क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा ऑलवेज
तो ये नॉन जीरो नंबर है ना, इसलिए चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ, क्वेश्चन नंबर एट्थ में क्या होगा, इफ लाइन x माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इसको रब कर लेते हैं ना, है ना, आई एम राइटिंग अगेन। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, देखो इफ लाइन x माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये कह रहा है आपसे ये लाइन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स को कट कर रही है, ठीक है ना। तो आगे क्या कह रहा है, ये नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट आर देन दी कोऑर्डिनेट ऑफ आर, सही है, सिंपल है क्वेश्चन। देखो एक मिनट, लाइन देखिए, ठीक है, इंटरसेक्ट पैराबोला, ठीक है ठीक है, सिंपल है, अपने को पैराबोला गिवन है, लाइन गिवन है, तो पहले पैराबोला बना लूँ मैं, ये हो गया पैराबोला, ये लाइन क्या आ जाएगी, हाफ स्लोप आ गया ना इसका हाफ, और इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है इसका नेगेटिव, तो कुछ ऐसे रही होगी इसका मतलब ये लाइन, ठीक है ना। आगे चलें, ये पॉइंट आ गया पी और ये आ गया मान लो क्यू, तो इस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, तो वो कट कर रही है कहाँ पर, आर पर। और क्या कह रहा है इसमें आपसे, ठीक है बस इतना ही है। अब बताओ आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक काम करो छोटा सा, पहले तो आपको आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स है, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स है, इसका मतलब क्या हो गया, अपने को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है नॉर्मल का, और वो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, टू ए प्लस टी वन टी टू, सॉरी टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर प्लस टी वन टी टू इन टू ए कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है अपना, वाई कोऑर्डिनेट होता है इसका नॉर्मल का वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए टी वन टी टू इन टू टी वन प्लस टी टू, ये होता है, ठीक है। तो अपने पास अपन ने लिख दिया क्या, अपन ने लिख दिया इसका इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या तुम ये पॉइंट निकाल सकते हो आराम से, पी और क्यू, ये लाइन है और ये पैराबोला है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, बस उसके बाद क्या करना है अपने को, पुट करनी है वैल्यू। तो एक काम ये भी कर सकते हो आप, यदि मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखा है, तो एक काम करो इसको मान लेते हैं कुछ, है ना, क्या मान लें बताओ, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी मान लें, ए की वैल्यू कितनी है पर वन, तो क्या हो गया टी स्क्वायर कॉमा टू टी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, टी स्क्वायर कॉमा टू टी माना है, तो अपन ना कम इस ये पॉइंट जो है वो इस पैराबोला पर भी आ रहा है और इस लाइन पर भी आ रहा है, तो क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो रख दो इसमें वैल्यू, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस वन। मैंने क्या किया, जो लाइन थी इसको कट कर रही थी पी और क्यू पर, किसको, पैराबोला को, तो मैंने क्या किया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना चाहा, तो एक तरीका तो क्या है, मैं इस पॉइंट को निकाल लूँ आराम से, है ना, पॉइंट को निकाल लूँ, उस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लूँ और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आराम से आ जाएगा, है ना। लेकिन उससे और आसान क्या है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने को पता है ये होता है, बस मेरे को टी की वैल्यू मिल जाए, तो टी की वैल्यू मिलती है, क्या कर लूँगा मैं, सॉल्व कर लूँगा, अपना आंसर आ जाएगा, ये टी वन है और ये टी टू है इसमें, है ना। तो क्या करो बताओ आपको, टी अपन ने फिर, हाँ तो अपन ने क्या किया, अपन ने बस कुछ नहीं किया, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया, किसको, लाइन को, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको रख देना उठा के, इसमें ये आ गई इक्वेशन। अब इसके दो रूट आ रहे हैं, एक टी वन और एक टी टू, जिसमें आपको सम ऑफ रूट पता है क्या है, माइनस बी अपॉन ए दैट इज फोर, और टी वन इंटू टी टू क्या होगा पता है, ये हो जाएगा माइनस का सी अपॉन ए होगा दैट इज माइनस वन। तो आपको T1 प्लस T2 और T1 T2 की वैल्यू मिल गई, अब कुछ भी नहीं करना आपको, इन वैल्यूज की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ A की वैल्यू कितनी है 1, तो इस पॉइंट R को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 1 रख दो पहले, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा A की वैल्यू तो 1 है, T1 T2 into T1 प्लस T2, सही है। अब करो फटाफट से, देखो बहुत प्यार से करना है, मोहब्बत से एकदम, है ना, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2T1 T2, और प्लस का 1 पहले से है तो माइनस का क्या बचा, माइनस का 1T1 T2 बचेगा, कॉमा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो सब बेचारा पहले से ही क्या है, सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित मतलब शानदार लगा हुआ, फिट है मामला पहले से ही, तो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा 4, T1 into, आ गया कर लोगे,
आंसर क्या आएगा 19.4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट क्या होगा 19.4 ऊपर कट करेंगे ना, यहाँ कट करेंगे कहीं, ठीक है चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th में देखो क्या करना है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 e^-1 upon x whole upon x² 1 + e^-2 upon x dx। तो क्या है ये, इसको i मान लेते हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। यस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल। तो क्या करो आप, सबसे पहली बात तो देखो, जब भी लिमिट आपको देखे माइनस ए से प्लस ए की फॉर्म में, तो आप क्या करो प्रॉपर्टी यूज कर लो, है ना। माइनस क्या होती है प्रॉपर्टी अपनी, इफ लिमिट इज माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। और फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाता है, वहां से वो ट्वाइस हो जाता है 0 से a लिमिट एफ एक्स डी एक्स। याद आ गई ये लिमिट, ये सारी लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए, छः सात प्रॉपर्टी अपने याद ही होनी चाहिए हर समय, है ना, शुरू वाली तो क्या कि सीधे आपको दिमाग में आए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पहले प्यार मोहब्बत से थोड़ा सुंदर सा बना लें इसको, या नहीं बनाए, बना लेते हैं कैसे। e^-2 upon x है ना, कॉमन ले लो, तो -2 upon x कॉमन लोगे ना, तो देखो ऊपर तो क्या बैठा हुआ है e^-1 upon x, और नीचे से कॉमन लिया e^-2 upon x, तो जहां पर 1 है उसमें तो क्या आ जाएगा e^+2 upon x, और जहां ये था ये पूरा का पूरा कहां गया, बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया 1 dx। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर ले जाओ तो -1 से +1 क्या हो जाएगा, ये e^+1 upon x अपौन में x² e^2 upon x + 1 dx। अब तुम ना x को -x से रिप्लेस करके देखोगे तो यू विल फाइंड दैट फंक्शन इज इवन। क्या फंक्शन है, इवन फंक्शन है ये, क्योंकि -1 -x रखोगे तो ये आ जाएगा -1 upon x, ये आ जाएगा -2 upon x, और ये तो क्या है x² का x² ही बचेगा। तो देखो ध्यान से e^-1 upon x और e^-2 upon x + 1 और ये x², तो ये फंक्शन सेम है कि नहीं है, यानी कि लौट के वही फंक्शन आ रहा है, उसको अपन चेंज कर लेंगे दोबारा से इसी फॉर्म में, है ना। तो क्या हो गया है, फंक्शन कैसा है, इवन। तो आप सीधे लिख सकते हो, है ना, क्या i = ये आपको देख के करना है सीधे, है ना, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है बुक कॉपी पर। तो क्या लिख दूंगा बताओ मैं, ट्वाइस ऑफ 0 से 1 e^1 upon x upon x² into e^2 upon x + 1 dx, ठीक है। अब क्या करो आप, e^1 upon x को क्या रख दो, टी पुट कर दो, तो e^1 upon x को टी पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, e^1 upon x into 1 upon x - 1 upon x² into dx = dt। तो माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या मिल गया आपको, e^x upon x² into dx = क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, i = ट्वाइस ऑफ 0 से 1, अभी लिमिट चेंज करूँगा, है ना, एक मिनट रुको, लिमिट ऊपर क्या आ गया dt और नीचे क्या हो गया t² + 1, लिमिट चेंज करो, लिमिट में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 होगी तो क्या किसको टेंड करेगा, इन्फाइनेट को, और x की वैल्यू 1 होगी तो किसको टेंड करेगा, लिमिट टू e^1 upon 1 आ गया, तो लिमिट क्या आ गई अपनी, इन्फाइनेट आ गई नीचे, और ऊपर कितनी आ रही है, e, मतलब इन्फाइनेट से e होगी। तो अपन क्या करते हैं, जो मेरा ये माइनस साइन आएगा ना यहाँ पर, उस माइनस साइन को एडजस्ट करते हुए मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, e से इन्फाइनेट लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गई बात, कर लोगे ना, e^1 upon 0 तो क्या हो जाएगा, ये इन्फाइनेट को टेंड करेगा, और e^1 upon 1 आएगा तो ये = क्या हो जाएगा, e, तो लिमिट क्या आ गई अपनी, e से इन्फाइनेट, माइनस साइन एडजस्ट कर दिया अपन ने, तो कुल मिला के आपके सामने अब ये लिखा हुआ है। इसको आप बहुत ही प्यार मोहब्बत से कर दूँ, 1 upon 1 + x² का क्या पढ़ा है आपने, टेन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स t, और लिमिट क्या है, e से इन्फाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, ये कुल मिला के ये हो गया मेरे ख्याल से, टेन इनवर्स इन्फाइनाइट मतलब π/2 माइनस टेन इनवर्स e, तो कितना आ गया ये, π - 2 tan inverse e आ गया, क्या आ गया, π - 2 tan inverse e। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 11, द कोफिशियंट ऑफ, अच्छा नाइन्थ हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। अपने को 9 ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3 मान लो है ना, और इनका जो मीडियन है ना वो क्या है, 25, मीडियन है आपका 20.5। तो कह रहा है कि हर एक टर्म में ना, हर एक ऑब्जर्वेशन में, मैंने क्या किया, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट। ओके, वो कह रहा है कि ये 9 ऑब्जर्वेशन है, इनमें से जो लार्जेस्ट 4 हैं है ना, उनको क्या किया, +2 +2 कर दिया उनमें है ना, वो 2 बढ़ा दिया उन सब में। तो बताओ जो नया मीडियन बनेगा वो चेंज हो जाएगा, यही रहेगा, क्या होगा? तो एक बात बताओ मेरे को, 9 ऑब्जर्वेशन है, लास्ट के 4 को बढ़ाया है आपने, जो लार्जेस्ट 4 हैं, लार्जेस्ट 4 यानी कि सबसे बड़े वाले जो हैं ना, उनको क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, ऑर्डर विल रिमेन सेम। तो क्या होगा, अपना एम की भी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 20.5 ही रहेगी है ना। छोटा इजी सा क्वेश्चन था ये तो काफ़ी, चलो सेम रहेगा है ना, ओरिजिनली रहेगा, जो था वही रहेगा, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x - 2x² की पावर 7 इज, कोफिशियंट बताना है आपको एक्स की पावर 4 का इसमें। तो एक काम करें अपन, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालना है इसमें, तो एक काम करो आप, प्यार से लिख लो उसको पहले, 1+x - 2x² की पावर 7, इसका निकालना है आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4। तो एक काम करो, ये सीरीज क्या बनेगी आपकी, 7c0+7c1 x(1 - 2x)^1 +7c2 x(1 - 2x)^2 एंड सो ऑन, लास्ट में जाएगा 7c7 x(1 - 2x)^7 ये आएगा, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को आप, एक्स की पावर 4 चाहिए, 4 किस किस में आएगा, पहली बात, एक तो 4 किस में आएगा, देखो यहाँ पर पावर क्या आएगी इसकी, मैक्सिमम 1 और ये 1, तो 2 आएगी मैक्सिमम पावर। यहाँ क्या होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी अपनी क्या, पावर 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर भी क्या, एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के यहाँ से मिलने वाला है अपने कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4। तो एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनना आप, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4 के लिए यहाँ से शुरुआत हुई है, तो 7c2 तो आ ही रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को आप, समझो बात को है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना, ऐसे कर लेंगे आंखों में है ना, कैसे, यहाँ पर क्या है 7c2, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, x³, फिर एक्स की पावर 4 आएगी, उसके बाद तो क्या होगी, पावर ज़्यादा हो जाएगी, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 7। तो मैंने क्या किया, मेरे को बस उन टर्म से मतलब है जहाँ पे एक्स की पावर 4 आ रही है। एक काम करो, 7c2 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो अंदर किसका रिक्वायरमेंट है मेरे को, एक्स स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है, तो अंदर से कौन सा टर्म चाहिए जिसमें पावर क्या हो, 2, तो क्या हो जाएगा अपना, 2c2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और -2 की पावर 2, सोचो, एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, अंदर से पावर कितनी और चाहिए आपको, 2 पावर और चाहिए ना, तो 2 पावर कहाँ से मिलेगी आपको, जब इस एक्सपेंशन को 1 - 2x^2 में, वो टर्म जिसमें एक्स पावर 2 होगी वो कौन सा होगा, 2c2, तो 2c2 -2x^2, तो क्या हो गया कोफिशियंट, 2c2 - 2x^2। अब अगला टर्म बताओ क्या होगा, 7c3, उसमें क्या आया होगा, x³ आएगा, तो उसमें क्या चाहिए होगा मेरे को, 3c1 चाहिए होगा, लिख के दिखाऊं, 7c3 x³ (1 - 2x)^3, तो 3 तो पहले आ गया, अंदर से क्या चाहिए बस उनको, 3c1 चाहिए और -2 की पावर 1, लास्ट क्या आएगा, 7c4, और क्या हो जाएगा वहाँ पर तो कुछ नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए बस 1 ही हो जाएगा सीधे, समझ गया ना, यहाँ जब पावर 4 आएगी तो यहाँ पर 1 ही तो चाहिए अपने को सिर्फ, तो 1 * 1 कर दिया मैंने, ठीक है। चलो तो सॉल्व कर लो उसको, 7c2 कितना हो गया, 2 3 3 7 21, ये 1 * 4 + 7c3 कितना आ जाएगा, 7 5 = 35, 3 और माइनस का 2, 7c4 कितना हो जाएगा, जितना 7c3 है यानी कि 35, तो कितना आ गया इसका आंसर, 21 * 84 माइनस कितना हो गया, 70 210 प्लस का कितना आ गया, 35, तो कितना आ रहा है ये, 9, ये हो गया 9 और 11,
120 यानी कि 91 हो गया। कैसा माइनस का, तो माइनस का 91 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रही है आपसे, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ सर्किल्स सच दैट C1 रिलेटेड टू C2। ये आपका रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो आप। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ सर्कल्स सच दैट C1 इज रिलेटेड टू C2। कैसे, कि सर्किल C1 एंड सर्किल C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। सर्किल C1 और सर्किल C2 दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं। तो बताओ रिलेशन आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, या तीनों होगा, दैट इज इक्विवेलेंस। चलो शुरू करते हैं, तो मैं आपको समझा दूं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है C1 इज रिलेटेड टू C2 सच दैट, कि दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं एक दूसरे को। तो एक बात बताओ मेरे को, दो सर्किल हैं, एक मान लिया C1 और एक सर्किल मान लिया C2, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अपने को रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रीनेस चेक करनी है अपने को। करते हैं शुरू, क्या ये बताओ एक सर्किल खुद से ऐसे रिलेटेड हो सकता है कि वो खुद को ही बाहर से टच करे ना, तो इसका मतलब फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बताइए समझे, कोई भी सर्किल खुद के, कोई भी सर्किल खुद के क्या बाहर से टच करेगा, है ना, बाहर से टच करने मतलब बाहर जाना चाहिए ना वो, तो पहला क्या हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करते हैं अपन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ C1 इज टचिंग C2 देन C2 ऑल्सो टचिंग C1, ये तो हो गई बात। यदि C1 C2 को टच कर रहा है तो C2 भी C1 को टच करना चाहिए, बिल्कुल। यदि C1 और C2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब अपन कह सकते हैं C1 इज टचिंग C2 और C2 इज टचिंग C1। इफ C1 C2 एग्जिस्ट कर रहे हैं किसमें, सेट में, तो C2 विल बी रिलेटेड टू C1 ऑल्सो, ठीक है, तो सिमेट्रिक है। लास्ट रह गया अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, इफ C1 इज रिलेटेड टू C2 एंड C2 इज रिलेटेड टू C3 देन C1 मस्ट बी रिलेटेड टू C3। यही तो था ट्रांजिटिव होने के लिए। तो आप सोचो C1 C2 से टच हो रहा है, C2 C3 से टच हो रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि C1 भी C3 से टच हो ना, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या है अपने पास, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस। तो बताओ क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 इसके बाद है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पी इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स, है ना, क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, पी इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, है ना। पी इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हुज फोकाई आर F1 एंड F2। तो आपसे कह रहा है बताओ देन मैक्सिमम एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगल पी F1 F2। देखो ध्यान से, ये एक इलिप्स है अपने पास, है ना, अपने को गिवन नहीं है कि ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन ए है, कोई बात नहीं, लेकिन है ना, तो इसी जो फोसाई हैं, है ना, फोसाई कुछ भी कह लो, है ना, तो वो है F1 और F2। तो कह रहा है कि एक कोई पी पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है पी, है ना, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो टिप पे होना चाहिए आपके क्या, कि इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तब होता है जब ये पॉइंट पी कहाँ पर आ जाए, माइनर एक्सिस के एंड पर आ जाए। तो यानी कि इफ पी लाइज ऑन बी डैश, है ना, बी, तब क्या होगा, एरिया मैक्सिमम होगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब निकालोगे आराम से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, बेस लिख दूं मैं सीधे, क्या हो जाएगा F1 F2, हाइट कितनी हो जाएगी, ओपी डाल दूं उसको, ओपी, तो हाइट तो कितनी आ गई बी, और ये कितनी हो गई 2ae, F1 F2 की लेंथ कितनी होगी 2ae, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, है ना, क्या होती है अपना 2ae, तो
तो ए बी ई आ गया है ना, क्या गया ए बी। वैसे आपको याद भी रखना चाहिए ना एरिया क्या होता है, ए बी ई होता है, आपको मैंने समझा दिया लेकिन कैसे आया। अब ए इंटू बी इंटू ई हो गया, इसमें अपने अननोन क्या है अपने को ई, ई अननोन है, इसका मतलब क्या हो गया ई की अपनी वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इस ई की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो आप, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्या आ जाएगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ठीक है ना। एक मिनट रुको, ओपी की लेंथ कितनी थी बी और एफ1 एफ2 कितना आया था 2ae, तो ae इक्वल टू कितना आ गया बी, ठीक है ना। तो इसमें गिवन इक्वल टू 2 गिवन था क्या, यहां पे इक्वल टू 2 था ये है ना, इक्वल टू 2 था तो 2 होगा तो क्या हो जाएगा यहां से ये 2 है तो 2 नीचे आएगा, पहले इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे P इज, पहले क्वेश्चन रिपीट, पहले क्वेश्चन बोल दूं मैं, P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2 हुज फोकाई आर एफ1 एंड एफ2। बना लेता हूं मैं इसको, एफ1 एंड एफ2 कह रहा है P कोई वेरिएबल पॉइंट है ऑन द एलिप्स, इफ P इज एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन एलिप्स एंड एफ1 एंड एफ2 आर द फोकाई, देन इसका जो एरिया मैक्सिमम एरिया होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है जब एफ पी पॉइंट यहाँ पर होता है तब इसका एरिया क्या आएगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो लिख दूँ मैं सीधे बेस एफ वन इंटू एफ टू इंटू हाइट कितनी आएगी बी। अब देखो जो बी है ना वो कितना आएगा चेक करो, ये टू है तो टू को मैं यहाँ नीचे ले जाऊँ, ये हो गया तो बताओ माइनर एक्सिस कितनी आएगी लेंथ, ये आएगी रूट टू बी, सही है। माइनर एक्सिस कितना आ जाएगा रूट टू बी, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनर एक्सिस आ रहा है रूट टू बी, तो उसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा अपन, क्या हो जाएगा ये टू ए ई इंटू, और यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी होगी रूट टू ए हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ, हो जाएगी रूट टू ए। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ ना, ये डिस्टेंस आ गई आपकी हाफ एफ वन एफ टू, यानी कि क्या हो गया रूट टू ई आ गया रूट टू ए ई कॉमा जीरो, और यहाँ जाएगा माइनस रूट टू ए ई कॉमा जीरो, ठीक है। तो दोनों बीच में डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, दोनों बीच में डिस्टेंस आ गई अपनी रूट टू ए ई प्लस रूट टू ए ई, तो कितना हो गया टू रूट टू ए ई, तो टू रूट टू ए ई इंटू बी, बी कितना हो जाएगा अपना बताओ रूट टू बी। मैं आपको आराम से करके बता रहा हूँ आपको, है ना, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ भी दिक्कत आई देख लो आराम से। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 2 ए बी ई आ गया, क्या आ गया 2 ए बी ई। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ए इंटू बी इंटू ई होता है यदि स्टैंडर्ड एलिप्स होता तो, ठीक है ना, ये आपको पता रहे। तो 2 ए बी ई की वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी, तो वो तो आपको पता है कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वैसे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना, रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के 2 बी, ए से ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया एरिया ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है, यस क्वेश्चन 14, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इक्वेशन का, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एक काम करूं मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँ सर, 0 से 5 में ड्रॉ कर लेते हैं ना, 0 से 2 5 में, तो कॉस हो गया ये, तो अब मॉड ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा 0 से 5, फिर से क्या होगा नीचे जो फंक्शन आएगा उसका क्या ले लेंगे अपन मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये भी क्या मॉड लगा हुआ है ना, मॉड लगा हुआ है तो क्या आएगा ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा मॉड ऑफ साइन एक्स। तो क्या सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये कितना रहा होगा पता है आपको पाई बाई फोर, ये कितना रहा होगा 2π - π/4, तो 2π - π/4, तो कितना आ गया ये 4 × 2 = 8, 7π/4 आ गया ये, ठीक है। अब ये आ गया 7π/4,
तो एक आ रहा है पाई बाई फोर, एक आ रहा है सेवन पाई बाई फोर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक बात बताओ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सीधे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है अपना, ये होता है टू एन पाई, तो टू एन पाई में प्लस कर दूँ मैं पाई बाई फोर और माइनस कर दूँ पाई बाई फोर, तो आ जाएगा आराम से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में देखो क्या करना है अपने अपने को, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन टेन फाइव एक्स वन माइनस कॉस फोर एक्स फाइव की पावर x माइनस फोर की पावर x अपॉन में x क्यूब। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे देखो, इसको मैं प्यार से मोहब्बत से क्या लिख सकता हूँ देखना ध्यान से, हटा देते हैं इसको। चलो साइन एक्स को मैं लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। टेन फाइव एक्स को मैंने क्या किया, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट मैंने अपनी तरफ से फाइव का मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब सही है सारा कुछ। इंटू, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज द गिविन एक्सप्रेशन इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड लिमिट अपने को पता है, स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होती है तो क्या होता है वन होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, लिमिट जब क्या होती है एक्सटेंडिंग टू जीरो, कॉस एक्स वन होता है ना, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है हाफ होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे चलते हैं, वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन में क्या कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू फाइव की पावर एक्स माइनस वन लिख दिया और माइनस फोर की पावर एक्स माइनस वन लिख दिया और दोनों के नीचे एक्स को अलग कर दिया, तो देखो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन गया एक्स क्यूब, ये x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, तो क्वेश्चन सेम है भाई कि भाई। अब आ जाओ यहाँ पर माइनस वन और ये प्लस का वन, वन से वन कट जाएगा, क्वेश्चन सेम। ठीक है, आगे चलो, अब बताओ ये वाला पार्ट क्या हो गया वन, ये वाला पार्ट क्या हो गया वन, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा टू, टू होगा कितना होगा समझा देता हूँ उसको मैं आपको, है ना। वन माइनस कॉस की पावर फोर एक्स, कॉस फोर एक्स क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर 2x और नीचे कौन है एक्स स्क्वायर है, तो उसको आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, और मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये देखो साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, तो ये जो लिमिट है ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, तो होल स्क्वायर बन गया पूरे का साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो इसकी लिमिट कितनी आने वाली है 8, ये आपको आना चाहिए दिमागी, है ना, ये आपको करना आना चाहिए। ये देखो 5 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या बन जाएगा ln 5 माइनस 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या बन जाएगा ln 4, तो कुल मिला के अपने सामने जो सब है ये 1 1 1 हो गया, तो कुल मिला के अपने पास बचा है, कहीं x तो है नहीं, लिमिट तो सब गायब हो गई, क्या बचा सिर्फ अपने पास 8 बचा, ln 5 माइनस ln 4 क्या हो जाएगा ln ऑफ 5 बाई 4, और कुछ बचाए क्या, ये 5 और है, अच्छा नीचे ये आ गई लिमिट इसकी, क्या आ गई 8 अपॉन 5 ln ऑफ 5 बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्या कह रहा है ये 16 क्वेश्चन में, सुनो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, नहीं अच्छा हाँ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन 2 वुमेन एंड 2 वीमेन एंड 4 मेन 4 persons are selected at random, 4 children हैं 2 women हैं, 4 children 2 women and 2 men, क्या कर दिया 4 persons select कर दिया आपने at random, तो कह रहा है the probability that there are exactly 2 children among the selected persons, है ना, जो select नहीं है अपने person वो उनमें से 2 क्या होना चाहिए children होने चाहिए, तो इस बात की probability कितनी होगी, yes exactly 2 children, है ना, तो टोटल सेलेक्ट कितने करने अपने को 4, उसमें से क्या होना चाहिए 2 क्या होने चाहिए चाइल्ड होने चाहिए ना, चिल्ड्रन होने चाहिए, बाकी 2 क्या होने सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं, तो इस तरह की प्रॉबर्टी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 2 चिल्ड्रन हो बाकी 2 कुछ भी हो, और टोटल क्या हो गया 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो रिक्वायर्ड प्रॉबर्टी पीई क्या हो जाएगी बताओ, फेवरेबल, फेवरेबल क्या हो गया 2 चिल्ड्रन और बाकी 2 कोई और, तो बताओ मेरे को 2 चिल्ड्रन को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो,
चार चिल्ड्रन हैं, चार में से दो को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 4c2 हो जाएगा इनटू मेरे को बाकी जो दो बच्चे चाहिए, बच्चे हों या घर वाले हों ना, बड़े हों एडल्ट हों, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तो चिल्ड्रन हो गए एग्जैक्टली, अब चिल्ड्रन तो लेने नहीं है, तो बाकी दो क्या होंगे एडल्ट होंगे, तो दो और दो चार, बाकी बचे हुए क्या हो गया 4c2 अपॉन, ये हो गया पहले अपॉन टोटल आउटकम क्या होगा, चार लोगों की कमेटी बनानी थी मेरे को, कितने लोगों में से, चार और दो छः और दो आठ में से, तो 8c4। तो क्या आ गया आंसर, सॉल्व कर लोगे इसको, आंसर आ जाएगा है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ a1 a2 a3 अप टू a20 इक्वल्स टू कितना है 800, वेयर a1 a2 a3 अप टू a20 ऑल आर पॉजिटिव नंबर, सारे सारे कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू a20, इसकी क्या निकलने लगी मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो देखो क्या करोगे आप, सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ये गिवन है अपने को, तो आपको याद होगा क्या होता है, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जब पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हो तो उसमें अप्लाई कर दो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी तब आपको क्या कर देना है, am gm का तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल, अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू gm, gm क्या हो जाएगा जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो रूट और अंदर वो नंबर्स, कितने नंबर्स अपने पास 20, तो 20th रूट ऑफ a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू a20, तो कुल मिला के आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 800 डिवाइड बाई 20, तो कितना आ गया ये 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 20th रूट ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी a1 a2 अप टू a20, तो कितना आ जाएगा 40 की पावर 20, क्या आ जाएगा आंसर, A1, A2, A3 अप टू A20 का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा 40 की पावर 20, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने पावर 20 कर दी, जिससे कि मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाए। अब आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू वो हमेशा क्या है इससे छोटी या उसके बराबर है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है ये हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर मीट्स y एक्सिस एट पॉइंट ए इफ ओ इज द ओरिजिन, देन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर मीट्स y एक्सिस एट एनी पॉइंट ए देन एंड इफ ओ इज द ओरिजिन देन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन है अपने पास, पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन आपको है ना, ये एक कर्व है, इस कर्व पे अपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए पी पॉइंट पे, तो वो ना y एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पर, a पर, तो आप ध्यान से देखो ये जो कर्व है ये एक सर्किल ही तो बन रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर करो आप तो क्या मिलेगा आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर, तो आपको ये नजर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x को इधर ले आओ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, सही है, तो एक सर्किल बन रहा है, सर्किल का कौन सा पार्ट, वो पार्ट जिसमें ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां से आपको क्या निकाल सकते हो इसका डोमेन निकाल लो 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 1 से 0 से 4, आ गया समझ में, अब आगे चलो, नहीं आया समझ में, सुन लो दोबारा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करा मैंने डोमेन निकाल लिया पहले y इक्वल टू इसका, डोमेन क्या आया इसका x होना चाहिए 0 से 4 के इन बिटवीन या इक्वल, ठीक है, तो अब इसका डोमेन मिल गया अपने को, अच्छा इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई इसलिए किया था कि ये कर्व कौन है, तो आप ध्यान से देख रहे हो तो कर्व क्या आ रहा है ये सर्किल, तो एक सर्किल जिसका सेंटर क्या है 2,0 और रेडियस कितना है इसका 2, तो ये बन गया सर्किल, ठीक है, अब आगे सुनो, ये रेडियस कितना है 2, तो एक बात बताओ मेरे को 0 से 4 की बात हो रही है, तो वाई नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, वाई नेगेटिव नहीं आएगा तो ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, तो ये क्या बन गया एक सेमी सर्किल बन रहा है सिर्फ, तो अपने को क्या क्या कह रहा है ये, अब समझो क्वेश्चन, एक कोई पॉइंट है P और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी और वो कट कर रहा है इसको कहाँ पर A पर, तो कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, और ऑप्शन अपने को दे रखे हैं पता है क्या, OP और OA और AP में रिलेशन बताना है कि कौन किसके इक्वल होगा, OA OP और AP में रिलेशन बताना है कौन किसके इक्वल होगा,
तो एक काम करूं मैं छोटा सा, आप देखो ध्यान से, ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, तो एक काम करो, आपको मैं इजी करने के लिए क्या करा, मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये वाला पी पॉइंट मान लिया, ये वाला, और इस पी पॉइंट को क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो ये टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल होगी इसके एक्स एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल होगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कितना है इसका, 2 है रेडियस। तो आप ध्यान से देखो, ये भी 2, ये भी 2, क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस है इसका 2, तो इसका मतलब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए, ये जो पॉइंट है ये ए यहाँ जाएगा पॉइंट, तो ओ ए इक्वल टू ए पी, क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल टू ए पी। और तीसरा क्या है इसमें, ओ पी है, तो ओ पी की लेंथ कितनी होगी बताओ, ओ पी, ओ पी की लेंथ कितनी होगी बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ये होगी 2√2, यानी कि ओ पी के इक्वल नहीं होंगे ये, क्या होंगे, ए पी इक्वल टू ओ ए, ए पी इक्वल टू ओ ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग अपना पेपर साथ लेके बैठो, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए ना, क्वेश्चन क्लियर तभी होगा जब क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेस देन 0, 3x इक्वल टू 0, x प्लस 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अपने कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो पहला ऑप्शन है एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, अपने को इसके ना ये बताना है मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बताना है ना, कि कहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है कहाँ इंक्रीजिंग है। तो एक काम करो आप, इसके लिए ना एक काम मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2x और ये 1, जब x लेस देन 0 है और जब x ग्रेटर देन 0 है, और इसका ग्राफ भी बना लो साथ में। ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ, जब x नेगेटिव है तो ये क्या है, पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 यूनिट ऊपर है और एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे रहा होगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 3, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 3, और यहाँ पे 0 पे कितनी थी, 2, और आगे क्या है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या है फंक्शन हमारा, x प्लस 2, x प्लस 2 का मतलब क्या हो गया, एक लाइन, ये स्लोप कितना है इसका, 1, ठीक है ना, तो ये होगी x प्लस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हो गया पॉइंट। तो आप देखो x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आ रही है, यानी कि f 0 कितना है अपने पास, 3 है, और f 0 नेगेटिव 0 से जस्ट पहले कितनी वैल्यू आ रही है, 2, और f 0 के जस्ट बाद में कितनी वैल्यू आ रही है, 2, यानी क्या हो गया कि फंक्शन की वैल्यू राइट और लेफ्ट में 0 के क्या है, छोटी है, किससे, 0 से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 पर क्या है ये, मैक्सिमा है, क्या है, मैक्सिमा। तो पहला ऑप्शन क्या था इसका, लोकल मैक्सिमम रखता है किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, यस लोकल मैक्सिमम रखता है, ये ऑप्शन सही है, अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 से पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल एक्स इक्वल टू डिक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स की बात कर रहा है आपसे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है क्या, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है आपसे एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्स लेस देन 0 के लिए एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पूछ रहा है आपसे। तो एक्स लेस देन 0 के लिए कैसा आ रहा है इसका स्लोप, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन 0, सही है। और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट 1 है ना, कॉन्स्टेंट 1, ना तो डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, क्या है, कॉन्स्टेंट। तो लास्ट ऑप्शन क्या है अपना, एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द राइट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, नहीं, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका, फॉल्स है, दैट इज अपने लिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, बताना है अपने को इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ मेरे को, आई मान लें इसको अपन थोड़ी देर के लिए,
तो अपन लगा दें प्रॉपर्टी, यदि लिमिट 0 से a है एफ एक्स डी एक्स है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, देन देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो एक काम करो लगा दो, क्या हो जाएगा 0 से पाई, क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर। अब इसको मैं आंखों में कर रहा हूँ, ठीक है ना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो सेम ही रहेगा ये, तो आगे चलो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेम रहेगा डी एक्स। अब देखो ये पाई माइनस एक्स आ गया, दोनों को ऐड कर दो आप, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। और अब फटाफट से देखो, है ना, फटाफट से क्या, यहाँ पर x कैसा है पॉजिटिव, यहाँ x कैसा है नेगेटिव, तो जब दोनों को ऐड करेंगे अपन तो x वाला पार्ट तो कट जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा सिर्फ पाई वाला पार्ट बचेगा, तो पाई के मल्टीपल में क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना, डी एक्स आ गया। अब देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पाई को 2 इंटू पाई बाई 2, तो याद आ गई क्या, 0 से 2a है लिमिट एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या है सेम आ रहा है किसके, ये क्या है सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, लौट के क्या आ जाए एफ एक्स आ जाए 0 से 2a dx, है ना, तो क्या हो जाता है अपना लिमिट, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, देन इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, याद आ गया। तो क्या हो जाएगा सीधे अपन इसको देखो ध्यान से, 0 से 2a क्या मतलब क्या हो गया पाई हो गया, और पाई पे तो क्या हो रहा है चेंज हो ही नहीं रहा था, ये अभी अपन ने देखा था अंदर वाला फंक्शन सेम था ना, तो क्या हो जाएगा ये 2i इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2, पाई को बाहर निकाल लो प्यार से, साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया। तो सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से पाई। अब चलो मेरे को एक बार बताओ पाई बाई 2 क्या आ गया आपके पास, साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स, तो एक काम करो आप इसको चलो यहीं कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, तो एक काम करो आप छोटा सा बताओ क्या काम करोगे, छोटा सा जल्दी बताओ फटाफट से क्या काम करोगे, छोटा सा एक काम करो छोटा सा, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है पाई 0 से पाई बाई 2, आप इसमें लगा दो दोबारा से अपना पी, तो एक काम करो 0 से a है ना, तो इसको a माइनस एक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 लगाओ a माइनस एक्स, तो क्या होता यदि 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स के इक्वल होता है, तो लगाओ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या बन जाएगा ये कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ये भी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, आ गया समझ में। तो एक काम करें अपन सॉल्व कर लें थोड़ा सा और, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से पाई 0 से पाई बाई 2, देखो साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा, तो यहीं लिख दूँ मैं साइन एक्स। एक बात बताओ मेरे को छोटी सी आप, कि ये साइन स्क्वायर कॉस एक्स है ये कॉस स्क्वायर साइन एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन एक्स, तो सेम आ जाएगा नहीं आ जाएगा फंक्शन, और फिर दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो आपके पास जो फंक्शन आएगा ना इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद क्या कर दो ऐड कर दो दोनों को, तो इसको और इसको ऐड करोगे तो आप क्या हो जाएगा दोबारा से अगेन 2i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस 1 2, क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, तो डी एक्स ये आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको फटाफट से, आई इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2 इंटू 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 एक्स और लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, तो 2 से 2 काट दो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2 दैट इज पाई स्क्वायर बाई 2, क्या आ गया आंसर पाई स्क्वायर बाई 2। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, है ना, ये आ गया समझ बात, अपन ने क्या किया पहले तो आगे समझ उस बात, है ना, देख लो आराम से कर लो।
देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 हो गया ना, क्वेश्चन 20 हो गया, ठीक है चलो 21। इसके बाद अब आता है अपना सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 mod x plus 1, 5 mod x only, 1, देन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल एट लेमडा पॉइंट्स, तो लेमडा प्लस 13 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, फंक्शन गिवेन है एफ एक्स, क्या गिवेन है कि मिनिमम ऑफ इन दोनों से जो भी मिनिमम है वो, तो वह कह रहा है आपसे जो फंक्शन आएगा दैट इज इट इज डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल एट लेमडा पॉइंट्स, इट इज नॉन डिफरेंशियबल एट लेमडा पॉइंट्स, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये है क्वेश्चन कुल मिलाकर, है ना, पूछ तो कह रहा है आपसे वो लेमडा प्लस 13 का वैल्यू, तो लेमडा की वैल्यू निकाल लो आप। चलो करते हैं सॉल्व, तो पहले ही बताओ ग्राफ बना लोगे इसका क्या आएगा बताओ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस 5 लिख सकता हूँ आराम से मैं। तो कहाँ कहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, 0 और 5, तो एक तो आ गया 0 और एक आ गया 5, भूल जाओ कोई मॉड है दुनिया में, भूल जाओ, क्या बचेगा एक्स इंटू एक्स माइनस 5, तो एक पैराबोला जो कि अपवर्डली ओपन है ऊपर की तरफ खुला हुआ है और उसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 और 5, यानी कि उसके सॉल्यूशन क्या क्या है 0 और 5, तो कुछ ऐसा रहा होगा, तो कुछ ऐसे रहा होगा ठीक है। तो अब ये बताओ क्या लगा हुआ है, मॉड एक्स, मॉड एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है जब मॉड एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स में क्या होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई के अबाउट अपन मिरर इमेज ले लेते हैं किसकी, जो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए पार्ट होता है उसकी। तो एक काम करो, वैसे इसको सोचने का तरीका एक और भी है, क्या करो आप सोचो, आप छोटी सी बात, एक्स पॉजिटिव के लिए जो आंसर आएगा क्या वही आंसर एक्स नेगेटिव होने के लिए भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या करो आप एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए जो आंसर आया है, जो ग्राफ आया है उसी को क्या ड्रॉ कर दो, आप रीड्रॉ कर दो एक्स लेस देन जीरो के लिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5.0 हो गया, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है अपने को, इसमें अपने को करना था अच्छा नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स बताने अपने को। अब दूसरा क्या है अपना वाई इक्वल टू 1 है, तो वाई इक्वल टू 1 क्या रहा होगा, ये रहा होगा, क्या रहा होगा वाई इक्वल टू 1 ये रहा होगा। तो एक बात बताओ मेरे को आप, वाई इक्वल टू 1 पे ये लाइन आ गई, वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x के लिए ये आ गई। तो मैं एक काम करूँ छोटा सा, दोनों का मिनिमम ले लूँ, तो मिनिमम बताओ कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा क्या मिनिमम, देखना ध्यान से, ये और फिर ये होगा मिनिमम ठीक है। तो क्या करूँ, मेरे पास आंसर जो आ गया वो कौन सा वाला आ गया, एक तो ये पार्ट, तो इसमें नॉन डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ है, एक तो ये, एक ये और एक ये पॉइंट, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे क्या नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स हैं। तो क्या हो गई लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई, और लैम्डा की वैल्यू 3 हो गई तो नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 3 3 प्लस 13 कितना हो गया 16। सो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 2, इफ इफ 2a प्लस बी प्लस सी, अच्छा आपने वो डिटरमिनेंट दे रखा है एक ठीक है, 2a 2b 2c 2b 2c 2a ठीक है, चलो ऐसे लिखा हुआ है देखो 2a a प्लस 2b है, फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस 2c है, यहाँ पर शुरुआत हुई है 2b से, मतलब a प्लस 2b प्लस सी a प्लस बी प्लस 2c, फिर आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा 2a, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है a हो गया b हो गया है ना 2c, फिर यहाँ आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, फिर आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी, सही है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना ये इक्वल है किसके, लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा है k है, लैम्डा टाइम्स ऑफ किससे शुरुआत हुई है a से, a b c b c a c a b, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इजी है क्वेश्चन एकदम, है ना सिंपल है,
यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिटरमिनेंट इनटू द फॉर्म ऑफ दिस, है ना। आपको इस डिटरमिनेंट को, है ना, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। कैसे करेंगे समझो, आप ना ध्यान दिया करो कि आपको सबसे पहले जो एक्शन लेना है वो किस पर लेना है। तो आप देखो रो और कॉलम में जाओगे ना तो सबके कोएफिशिएंट्स का सम क्या आएगा, सेम आएगा, 2+1+1 = 4, 1+2+1 = 4, 1+1 = 2 = 4। तो कुल मिला के क्या हो गया, यदि मैं आर वन को चेंज कर दूँ किस में, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री में, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4a + 4b + 4c, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4a + 4b + 4c, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4a + 4b + 4c। फिर उनमें से ना 4 कॉमन ले लो तो आपके आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने ये नजर आएगा आपको, आ रहा है नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या गया, a+b+c, 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 a+b+c। अब कुछ ऐसा करो कि सेम हो जाएं, है ना, अपने रो। तो देखो मतलब सेम का मतलब इसमें कुछ ऐसा आ जाए कि वो उसमें कन्वर्ट होने के लायक बन जाए। देखो ध्यान से, यहां पर a है, यहां भी a है, यहां c है, यहां c है, यहां b है, यहां 2b है। तो मैं क्या करूं, r2 में से r1 को घटा दूं अब, तो देखो a कट जाएगा, c कट जाएगा, b कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा b, यहां क्या बचेगा c, यहां क्या बचेगा a। सेम इसमें भी घटा दो तो यहां क्या बचेगा c, यहां क्या बचेगा a, यहां क्या बचेगा b। तो अब आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू डू r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1 and also r3 changes to r3 minus r1. So what you will have? You will have this one. 4 into, this will be same, a+b+c, a+b+c, a+b+c. But if you look at this, what you will get? You will get b, c, a, and you will get here c, a, b. C, a, b, okay? So now, what to do? अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा। आप देखो तो R1 में क्या है, a+b+c, 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 आपके दिमाग में आएगा कॉमन ले लेते हैं ना, कॉमन नहीं लेना, अपने को ए बी सी लेके आना है। तो आप देखो इन दोनों को ऐड कर किसको, R2 और R3 को, यदि मैं R1 में से घटा दूं तो R1 में क्या बचेगा, सिर्फ A बचेगा, R1 में क्या बचेगा, सिर्फ B बचेगा, R1 में क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा। आ गया समझ में? तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 प्लस R3, ओके। सो यू विल हैव, 4a+b+c - b - c, सो यू विल हैव a, हियर यू विल हैव b, एंड हियर यू विल हैव c। सो व्हाट यू आर हैविंग, b c a एंड c a b, ओके। सो यू कैन लुक ओवर हियर कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपनी, 4 आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ फंक्शन एफ फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स, एक फंक्शन एफ डिफाइंड है आपको इंटीजर से इंटीजर्स। तो कह रहा है कि एच एफ एक्स इक्वल टू क्या है अपने पास, n+3, और यहां पर है n/2, और n+3 कब है, जब n इज ऑड, और ये क्या है, जब n इज इवन, ठीक है। इफ k इज एन ऑड इंटीजर, k क्या है, एक ऑड इंटीजर है अपने गिवन है, a इज एन ऑड इंटीजर, f of k is 27, then what is the value of, what is the, then the sum of digits of k, ये निकालना है अपने को। एक काम करें अपन, तो देखो क्या करना है अपने को, अपने को साफ नजर आ रहा है ये क्वेश्चन है किसका, अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो सबसे पहले अपन शुरुआत यहीं से करते हैं ना, किससे, अपने को सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k निकालना है ना। तो एक काम करो आप, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं ना कि k की वैल्यू डाली हमने इसमें, किस में, फंक्शन में, तो f की मिल गया, फिर f को इनपुट करना है किसके, f के अंदर दोबारा से, तो f ऑफ f के आ जाएगा, फिर f ऑफ f के को किसके अंदर इनपुट करना है अपने को, f के अंदर, तो अगेन अपने पास क्या मिल जाएगा, f ऑफ k, दैट इज अपने को गिवन है 27।
तो सबसे पहले अपन क्या करने, देखो के क्या है अपना ऑड है, के अपना ऑड है, तो एफ ऑफ के क्या आएगा, के यदि ऑड है तो अपने को कौन सी ब्रांच लेनी पड़ेगी, दिस वन और दिस वन, अपने को के इज ऑड के लिए ये वाली लेनी है, तो के ऑड के लिए ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा के प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो के ऑड नंबर है, ऑड में आप ऑड ऐड करोगे, ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, इवन आएगा, तो ये कैसी कैसा नंबर आ गया, इवन नंबर। तो अब अपने पास जो एफ के है वो कैसा है, इवन है, तो एफ के यदि इवन है तो इसमें इनपुट करने के लिए एफ के को इवन कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी मेरे को, जब एन इवन है तो एफ के इज इवन, देन वी हैव टू राइट एन बाई टू, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एफ के क्या हो जाएगा, के प्लस थ्री कैसा था, इवन, तो इवन अपॉन टू, एन इज इवन के लिए सेकंड ब्रांच सेलेक्ट कर ली। आगे चलो, अब ये बताओ मेरे को एफ ऑफ एफ के इक्वल टू आ गया के प्लस थ्री अपॉन टू, तो ये कैसा होगा, इवन होगा या ऑड होगा। देखो मान लो ये आया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा है ना, ऐसे ही ये आया नंबर आपका 18, ये आया 18, तो 18 अपॉन टू क्या आएगा 9, तो ऑड आ गया। ये आता 16, तो 16 अपॉन टू क्या था, 16 अपॉन टू क्या था 8, तो कैसा आ गया, इवन। तो इसमें दो बातें हो जाएंगी, या तो ये इवन रहा होगा या ये ऑड रहा होगा, ठीक है ना, या तो ये इवन रहा होगा या फिर ऑड रहा होगा। तो कर लेते हैं चेक अपन आगे, और तो अब जब ये इवन रहा होगा, जब ये इवन रहा होगा तो एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ दिस, ये पूरा एफ ऑफ के, ठीक है ना, ये कितना आएगा बताओ, इसको इनपुट देना है किसके अंदर, जब ये इवन है तो अपन कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, ये वाली, तो क्या आ जाएगा एन बाई टू, तो क्या आ जाएगा के प्लस थ्री अपॉन सिक्स आ जाएगा, ठीक है, के प्लस थ्री अपॉन सिक्स आ गया। और ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 27, तो इसको सॉल्व करो जरा, 27, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 27 इंटू सिक्स अपॉन माइनस थ्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 इंटू सिक्स अपॉन में सॉरी माइनस में 3, तो कितना आ गया ये 100, ये आ जाएगा आपका, क्या कर लेंगे अपन 27 इंटू सिक्स, सिक्स ये 2, 2, अबे एन बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आएगा ना, यहाँ पर 4 आएगा, ओके यह है 4, तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 27 इंटू 4, ये आ गया आपका 104, इसका मतलब हो गया 108 माइनस 3, 105 आ गया, ये के की वैल्यू क्या रही है 105, क्या ये ऑड नंबर है, हाँ ये बिल्कुल ऑड नंबर है, तो अपना आंसर क्या आ गया 105। अब केस नंबर 2 ले लो आप, केस नंबर 2 क्या ले लो, केस नंबर 2 क्या ले लो आप, केस नंबर 2 ले लो आप, जब इवन ऑड है, तो ये ऑड लेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ के, ये कितना आ जाएगा बताओ, ऑड लोगे तो ऑड के केस में कौन सा लेना है अपना ब्रांच, एन प्लस थ्री, एन प्लस थ्री लेंगे तो क्या हो जाएगा के प्लस थ्री अपॉन टू प्लस थ्री, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, ये आ रहा है मेरे ख्याल से 2, 3, 6 और 9, तो के प्लस नाइन, के प्लस नाइन इक्वल टू कितना है 27 आ रहा था, के प्लस नाइन इक्वल टू कितना आ रहा था, सही लिखा है ना 2, 3 अपॉन में 2, तो ये आ गया मेरे ख्याल से के की वैल्यू आ रही है 27 इंटू 2 54 माइनस 9 कितना हो गया 45, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, तो 45 आ गई, तो के क्या ऑड आ रहा है, बिल्कुल के ऑड आ रहा है, लेकिन के आ रहा है क्या अपना ऑड आ रहा है, के ऑड आ रहा है, तो देखो एक काम करो, क्या करोगे बताओ, 45 ऑड आ रहा है ना, ये भी ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, तो एक काम करें अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, कैसे चेक कर लेते हैं, के की वैल्यू, ये अपना केस कौन सा था, इवन वाला था, ठीक है, तो इवन वाले में अपन ने क्या लेके चले थे, अब 105 आ रहा है, 105 को यहाँ रख के देखो आप, तो 105 और 3 कितना हो गया 108, 108 अपॉन 2 कितना आ गया 54, तो 54 इवन है क्या, यस इवन है 54, ठीक है, 45 को भी चेक कर लो, तो 45 को रखोगे तो 45 प्लस 3 48, 48 अपॉन 2 कितना आ गया 24, तो 24 इवन है, बट ये केस कौन सा लिया था हमने, ऑड का लेके चले थे अपन, कि एफ ऑफ एफ के क्या आना चाहिए ऑड, तो उसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, अपने पास सिर्फ एक ही के की वैल्यू आ रही है, दैट इज 105, तो सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा था ना ये आपसे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 6 आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
क्वेश्चन फोर्थ में क्या करना है, ये रहा। The extremities of the diagonal of a rectangle, the extremities of the diagonal of a rectangle are minus 4.4 and 6.-1. The extremities, अच्छा तो माइनस 4.4 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ मान लेते हैं, और 6.-1 कहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिटीज हो गए किसके, रेक्टेंगल के, डायगोनल के। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं अपन डी, है ना, उसमें ले लो साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी डी। तो ये है 6.-1 एंड दिस इज 4.-4, उल्टा लिख दिया, माइनस 4.4 है ना, यस बिल्कुल। अ सर्किल सर्कमस्क्राइब्स द रेक्टेंगल एंड कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ ए बी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए बी इज वॉट, एक काम करें, क्वेश्चन रिपीट कर दूं मैं एक बार। एक रेक्टेंगल है, उसके आपको डायगोनल के एक्सट्रीमिटीज आपको दे रखे थे, तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट मैंने उसका एक रफ डायग्राम बना लिया। अब इसमें क्या कह रहा है वो, एक सर्किल क्या करता है, इसको इंस्क्राइब करता है रेक्टेंगल को, या फिर कह लो सर्किल सर्कमस्क्राइब्ड है इसके चारों ओर। तो कह रहा है कि जो सर्किल है ना, इट इंटरसेप्ट्स अ लेंथ ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या हो गया, तो उसकी लेंथ अपने को बतानी है, वो लेंथ कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्ट है ए बी, अच्छा ये पार्ट ए बी दे रखा है इन्होंने, तो एक काम करो इसको पी क्यू आर एस मान लो आप, है ना, पी क्यू आर एस, और ये ए बी है लेंथ, है ना। तो ये लेंथ ए बी निकालनी है अपने को, क्वेश्चन समझ में आ गया। रेक्टेंगल के डायगोनल की एक्सट्रीमिटीज अपने को दे रखी है, कह रहा है कि वो जो रेक्टेंगल है उसके चारों एक सर्किल बनाया, तो वो जो लेंथ कट करता है किस पे, वाई एक्सिस पे, वो है ए बी। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ लेंथ ए बी। करो कैसे करेंगे बताओ, पहले तो एक काम करो आप सर्किल की इक्वेशन निकाल लो पहले। आपको पता होगा कि डायगोनल जो होता है वो किसकी तरह वर्क करता है सर्किल के लिए, डायमीटर की तरह, बिकॉज दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, और सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो पी आर विल बी द डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, और डायमीट्रिक फॉर्म क्या कहती है अपने से, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो होता है, वेयर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। आ रहा है यार मेरे समझ में, नहीं आ रहा है, आ रही होगी बात, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू के हैं यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज है किसके, डायमीटर के। तो अब एक बात बताओ मेरे को, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, तो क्या मैं ये काम करूँ, रख दूँ इन वैल्यूज को, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस फोर प्लस वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई, और छः चौक चौबीस, और माइनस चार कितना आ गया, माइनस का 28 आ रहा है शायद, है ना, इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब इसमें ये बताओ मेरे को कौन सा निकालना है अपने को, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो क्या कर दूँ मैं, एक्स को जीरो कर दूँ, तो एक्स को जीरो कर दोगे तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकलाएगा ना, वैसे आपको वो भी पता होगा है ना, टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सीधे एक्स को जीरो करो आप, है ना, कॉन्सेप्ट पे जाओ, एक्स को जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस 28 इक्वल टू जीरो, 7 4 28, तो क्या हो गया, वाई माइनस 7 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या क्या आ गई, माइनस 4 और प्लस 7। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास कौन कौन से, 0.7 एंड माइनस 0.-4, सही है। तो लेंथ कितनी आ गई है, 7 और 4 कितना हो गया, 11। तो लेंथ एल ए बी कितनी आ गई, 11, 7 + 4 = 11, आ गया समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलजेब्रा। एक वर्ड है एलजेब्रा, एलजेब्रा एक वर्ड है, विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर पोजिशंस, मतलब है ना, ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। कितने तरीके से अपन कितने वर्ड बना सकते हैं, किससे, इस वर्ड से, विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो बताओ क्या करोगे आप, वोवेल कौन कौन है, ए ई और ए, इनकी आपको क्या करनी है, रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करना है, वोवेल की जगह वोवेल रहेगा, कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट रहेगा। तो कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट की जगह
मतलब आप कॉन्सोनेंट को आपस में कर सकते हो इधर उधर, बट उनकी जगह चेंज नहीं करनी, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार, इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फोर फैक्टोरियल। वोवेल कितने हैं, तीन, उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, थ्री फैक्टोरियल। बट जो एक वोवेल है वो दो बार आ गया ए ए, तो डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, तो कितना आंसर आ गया मेरा, चार फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू तीन, 24 या 72, 72। तो क्या आ गया इसका आंसर, 72। तो एक काम करते हैं अपन, ये हो गया इसका आंसर, तो बात आ गई समझ में। तो ये हो गया अपना जेई मेन्स, ऑनलाइन डीडीएस फॉर जेई मेन जो आपकी चल रही है उसमें मेजर फाइव का, यस मेजर फाइव का, मेजर फाइव का सॉल्यूशन हो गया मैथ्स का। इसमें कोई भी डाउट है तो आपको एज यू नो है ना, डाउट काउंटर जो चलता है अपना, जो ऐप चलती है, ऐप भी आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, कई सारी चीज़ें हैं, तो उनमें आप अपना डाउट भेज सकते हो। और बाकी नेक्स्ट मेजर के लिए तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।